चलिए ओके। हमने कल जो कर लिए थे सेक्शन 26 तक हमने किए थे एमसीक्यूज, दैट वाज द सेकंड लेक्चर ऑफ एमसीक्यू ऑफ सीपीसी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सेक्शन 27 ऑनवर्ड्स, और लेट्स सी के कहाँ तक हम कवर कर पाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सम ऑन डिस्कवरी, जजमेंट एंड डिक्रीज से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं। चलिए समन से संबंधित कुछ यहाँ पर प्रोविजंस हैं वो देखते हैं। अगर हम समन की बात करें, समन के जो प्रोविजंस हैं दैट इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 27 से लेकर 32 तक है। 33 फिर एक जजमेंट एंड डिग्री की बात करता है। ठीक है, अब अपने पास अपना बेरेट जरूर रखें, क्योंकि हम बेरेट रहेंगे तो बेरेट भी रिवाइज हो जाएगा, साथ साथ ही एमसीक्यू भी हो जाएंगे। और उसके बाद 34, अब इसके बाद जो 34 एक इंटरेस्ट पे है, 35, अब इसमें कॉस्ट है, फिर 35A एंड 35B। कॉस्ट के ये हो गए, इंटरेस्ट का 34, 33 डीलिंग विद द जजमेंट एंड डिक्री। ठीक है, अब यहां पर अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट जो ए है इसमें कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट इन दी वैक्सीसस क्लेम, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 35 से भी बनता है, 35 से कॉजिंग डिले की बात करता है, जो देरी करता है। ओके गाइस, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट दी समन्स, एंड देन आई लेट यू नो के बाकी बेरेट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ नहीं होंगे, एमसीक्यू में नहीं है, वो मैं आपको बेरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता चलूंगा साथ में। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, अ पर्सन अगेंस्ट हुम द समन हैज बीन इशूड मे बी कंपेल्ड अंडर सेक्शन 32 टू अटेंड बाय, उसके खिलाफ हम कैसे उसको बुला सकते हैं जिसको हमने समन किए, वारंट भी इशू कर सकते हैं, अटैचमेंट ऑफ इसकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर सकते हैं, फाइन भी इम्पोज कर सकते हैं, ऑर्डरिंग हिम टू फर्निश सिक्योरिटी, क्या फोर्थ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? हाँ जी, क्या क्या कर सकते हैं अगर हम अपना यस बेरेट निकालिए 32 सेक्शन, उसमें चारों चीजें हैं ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, तो हम क्या इसका आंसर होगा, सी है। ठीक है, आंसर इज सी, तो आंसर इज सी। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है ये। और इसमें एक बात और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फाइन जो है इसमें इम्पोजिंग अ फाइन अपॉन हिम नॉट एक्सेडिंग 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज भी रख लेना आप। ठीक है, नॉट एक्सेडिंग 5,000, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नाउ द कोर्ट मे कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन टू होम अ समन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 32 एंड फॉर द पर्पस मे इम्पोज अ फाइन अप टू हिम नॉट एक्सेडिंग, कितने से ज्यादा नहीं होगा, नॉट एक्सेडिंग, चलो अभी ऊपर बताया भी था आपको, 5,000 से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और करना, देखो फाइन की या कॉस्ट की बातें कहाँ कहाँ लिखी है और कितनी है वो आपको ध्यान रहना चाहिए। एक तो हमने समन के मैटर में देख लिया 5,000 से ज्यादा कॉस्ट नहीं होगी। अच्छा, वैक्सीशस क्लेम के लिए कितनी है, वैक्सीशस क्लेम्स कितना, फाइन ज्यादा नहीं होगा, कितना है, 50,000 हाँ वो लिखा है आपका सेक्शन नंबर, कौन सा सेक्शन है, 95 90, 95। ठीक है, 95, और कहाँ पर है, एक जगह 3,000 रुपए की और बात की गई है, 3,000 से ज्यादा नहीं होगा, कौन सा सेक्शन है, 35A क्या लिखा है उसमें। सर कंपेंसेटरी कॉस्ट्स ठीक है, ये अभी मैं पढ़ाऊंगा ही, सेक्शन मिले ना मिले, फॉल्स और वैक्सेसेस क्लेम ऑफ द डिफेंस। ठीक है, और 95 जो है ना, जो आपने 95 का ये इंजंक्शन को लेके कि आपने किसी के कहने पे रॉन्गफुली इंजंक्शन ले लिया हो, एक बार देखते हैं 95, कंपनसेशन यस सर फॉर ऑब्टेनिंग अरेस्ट और अटैचमेंट और इंजंक्शन। ठीक है, वो क्योंकि आपने क्या करा, कोर्ट में गलत दावा करा और इंजंक्शन ले लिया, ठीक है, फेक चीजें दिखाकर, या अरेस्ट करवा दिया या अटैचमेंट करवा दी हो, तो 50,000 रुपये है, तो यानी थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुई है। ठीक है, याद रखना ये चीजें, फॉल्स एंड वैक्सीनेशन क्लेम्स उसमें है 3,000। ओके, आमने, और वहां पे एक वर्ड और है जी नॉट सर लेस देन, वो चीज भी ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ये,
तो जो 35 का ए है नो कोड शेल, 35 ए का आप 2 देखिए, 35 ए का 2 देखिए, ठीक है। वहां लिखा नो कोड शेल मेक एनी सच ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 3000 रुपीस और एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ इट्स पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन व्हिच एवर इज लेस। अब आपको पता होगा अगर आपने एमसीक्यू करेंगे तो कई जगह लेस लिखा हुआ है, कई जगह आई मीन इससे ज्यादा मोर लिखा होता है, तो आपको पता होना चाहिए लेस की बात लिखी और पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन की बात करी है। पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन तो ऑफकोर्स ही बात है ज्यादातर कोर्ट की 3000 से ज्यादा ही होगी, सिर्फ वो नीचे स्मॉल कॉस्ट कोर्ट को छोड़कर, तो ये ध्यान रखना। ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर। अंडर सेक्शन 32 टू कंपेल द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन टू हुम अ समन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द सीपीसी द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू व्हाट, क्या क्या करेगी कोर्ट? इशू ऑफ वारंट ऑफ हिज अरेस्ट कर सकती है, अटेंशन सेल इज प्रॉपर्टी, इम्पोजिंग अ फाइन, नॉट एक्सीडिंग। तो आंसर इज डी, अगेन सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग थोड़ी चेंज हुई है। नाउ प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट इन द सीपीसी हैज बीन, कहां दे रखा इंटरेस्ट? 33 डिक्री और जजमेंट है, तो उसके बाद आता है इंटरेस्ट की बात, वो है बी में 34। और जजमेंट और डिक्री की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है सेक्शन 33, सेक्शन 33 जजमेंट एंड डिक्री, और जजमेंट और डिक्री का ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर नंबर 20, ठीक है। और उसके बाद जजमेंट के बाद डिक्री फॉलो होगी, ये बात कहां लिखी है? सेक्शन 33 में। ओके गाइस, ये चीजें ध्यान रखनी है, यहां से क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो करा रहा हूं उसी पे ध्यान रखना, कुछ चीज मिस नहीं होगी, बाकी इतना टेंशन मत लीजिए। एक बार बैरेट की रीडिंग अपने पास से भी कर लेना। अंडर सेक्शन 34 ऑफ द सीपीसी कोर्ट कैन अवार्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट और सच अर्लियर डेट एज द कोर्ट थिंक फिट, रेट ऑफ सच इंटरेस्ट शैल नॉट एक्सीड, कितना होगा? सिर्फ इतनी सी ध्यान रखिए, सेक्शन 34 में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिखा है? 6% है, ठीक है। हाईलाइटेड भी करवा रखा होगा मैंने शायद आपको पहले कभी, 6% की बात की गई है, इतना ध्यान रखो काफी चलेगा। और अगर इंटरेस्ट नहीं दिया तो कोर्ट क्या मान लेगी? रिफ्यूज हो गया है, रिलीफ जो मांगी वो रिफ्यूज हो गई होगी। नाउ वेयर अ डिक्री साइलेंट एज द रिगार्ड द फ्यूचर इंटरेस्ट, क्या मान लिया जाता है इसको? फ्यूचर इंटरेस्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज, देखो ये बात आ गई। एंड द सेपरेट सूट शैल नॉट लाई फॉर द सेम, क्यों नहीं होगा? व्हाई द सेपरेट सूट विल नॉट लाई? हां जी, व्हाट इज द रीजन? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, इसका कंस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव नहीं लगेगा, डायरेक्ट लगेगा कौन सा? एक्सप्लेनेशन नंबर 5। अरे उसने तो अप्लाई करा था ना, उसने तो रिलीफ लिखी थी, ठीक है, उसने तो रिलीफ लिखी थी, कोर्ट ने नहीं दी, तो एक्सप्लेनेशन नंबर 5। अगर आपने ग्राउंड्स की बात करेंगे तो प्लेंटिफ कर सकता था, तो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लगता है, ठीक है यामिनी? ठीक है सर, समझ में आया? और एलोबरेट करूं सर? अभी वही डाउट है कि कंस्ट्रक्टिव मतलब क्यों नहीं है? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, देखो दो चीजें, एक होता है अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा में दो वर्ड यूज किए हुए हैं, एक वर्ड यूज हुआ है, पहली चीज चार वर्ड्स हैं, एक है माइट और ऑट, ठीक है, दो, और दूसरा वर्ड क्या है? डिफेंस और क्या नाम है, डिफेंस और अटैक, ठीक है। माइट और ऑट वो क्या कर सकता था? ग्राउंड्स उसके पास अवेलेबल था, उसने नहीं किया, कर सकता था उसने नहीं किया, ठीक है। अब ये दोनों साइड से है, प्लेंटिव की साइड से क्या होगा? प्लेंटिव की साइड से अटैक, प्लेंट में अटैक कर सकता था वो, और डिफेंडेंट की साइड से क्या होगा? डिफेंस, वो डिफेंस ले सकता था, उसने नहीं लिया। अरे लेकिन ये तो बात रिलीफ की कर रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट फाइल करी, उसमें रिलीफ मेंशन कर रखी थी, कोर्ट ने रिफ्यूज कर दी, कोर्ट ने रिलीफ नहीं दी, चार रिलीफ मांगी थी, 3 दे दी, इंटरेस्ट पे कोर्ट साइलेंट रही, तो इट वुड बी डीम्ड कि दैट हैज बीन रिफ्यूज्ड। ओके सर, क्योंकि अगर एक्चुअल होता है तो उसमें डीम करने की हमें जरूरत नहीं होती है, वो तो कोर्ट पे साफ साफ मना ही कर देगा। इसमें रेस जुडिकाटा ये कंस्ट्रक्टिव भी लगता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव भी अपने आप में डीम्ड है। जी जी सर, कंस्ट्रक्टिव भी अपने आप में डीम्ड होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना बेसिकली। चलो छोड़ो, मैं बाद में आपको बताऊंगा कुछ और चीज। कंस्ट्रक्टिव भी तो अपने आप में डीम्ड है, ऐसा मान के चल लेंगे। डायरेक्टली पहले एक्सप्लेनेशन में 5 लग रही है, और अगर जो चीज नहीं दी गई तो वो डीम्ड है कि भाई रिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे भी डीम्ड वर्ड यूज हुआ एक्सप्लेनेशन नंबर 5 में भी।
यस सर, सर फोर में वैसे भी स्पेसिफिकली लिखा नहीं है बेरेक्ट में कि वो कंस्ट्रक्टिव रेजोड़ी काटा होता है, लेकिन अगर हम 4, 5 और 6 को पढ़ें तो यही निकल के आता है कि इन तीनों में ही कंस्ट्रक्टिव रेजोड़ी काटा के बारे में बात हो रही है। बस वो है कि फर्स्ट में मतलब फोर्थ में विद रिस्पेक्ट टू मैटर हो रही है, फिफ्थ में विद रिस्पेक्ट टू रिलीफ हो रही है, एंड सिक्स में विद रिस्पेक्ट टू पर्सन हो रही है। हाँ जी, अब एक काम करना, जब जहाँ पे रिलीफ की बात आएगी ना, क्या नाम है, जो उसने अपनी प्लेंट्स में रिलीफ मांगी नहीं मिली, तो सेक्शन 5 को एक्सप्लेनेशन में 5 ही लगाना, ठीक है? तो अगर ऐसे ऑप्शन आ गए माइन्यूटली, बिल्कुल बारीकियों पे क्वेश्चन आ गया, तो उसका एक्सप्लेनेशन में 5 लगाना। अगर डीम्ड की बात होगी तो 5 लगाना, सॉरी 4th लगाना फिर, ठीक है? जी सर, सर फिफ्थ में भी डीम्ड ही लिखा है, उसमें भी मतलब स्पेसिफिकली लिखा है कि लेकिन डीम्ड। वो जो फोर्थ है ना, फोर्थ वो बेसिकली बात कंस्ट्रक्टिव रेजोडिकाटा की करता है। लेकिन अगर हम फोर्थ की बात करें कि प्लेंटिफ ने अपने पेंट में जो दावे दिए हैं उस पर अगर कोर्ट साइलेंट रही, तो साइलेंट रही तो मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा वर्ड क्या होता है, डीम्ड होता है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टिव रेजोडिकाटा और एक्सप्लेनेशन में 5 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, नहीं तो एक ही में लिख देते ना। और ऐसे तो मैं बताऊं, ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2 भी है, इसको स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स बोलते हैं, ठीक है? पढ़ा है? यस सर, अब ये और ये रेजोडिकाटा थोड़ी ना होता है। सर कंस्ट्रक्टिव वो रेजोडिकाटा जो, एक मिनट सुनिए, ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2 वो और कंस्ट्रक्टिव रेजोडिकाटा दोनों बहुत अलग बात है, ठीक है? वहां पे प्लेंट की बात लिखी गई ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2 में, प्लेंट और रिलीफ से संबंधित है वो, उसको हम कंस्ट्रक्टिव रेजोडिकाटा नहीं कहते हैं। तो वो माइन्यूटेस्ट डिफरेंस होते हैं, आई विल एक्सप्लेन इन द जब मेंस की क्लास करेंगे हम, ठीक है? अभी फॉर द टाइम ही कितना ही समझ लेना, ठीक है आपको सर। ऑप्शंस देखने, ऑप्शंस कौन सा बेस्ट है, ठीक है? आगे चलते हैं, समझ में आ गया? ये इसका आंसर हो गया हमारा बी। नाउ एक्सप्रेशन ईच पार्टी शैल बेयर इज ओन कॉस्ट इंप्लाइज दैट बोथ द पार्टीज आर एंटाइटल्ड टू द कॉस्ट फ्रॉम ईच अदर, नहीं, बोथ द पार्टीज आर नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ द कॉस्ट, बोथ द पार्टी आर टू बी डिप्राइव्ड ऑफ द कॉस्ट, बोथ द पार्टी आर नॉट एंटाइटल्ड टू कॉस्ट फ्रॉम ईच अदर, ईच पार्टी शैल बेयर इज ऑन कॉस्ट, अपने अपने खर्चे खुद ही उठाएंगे, बोथ द पार्टी आर टू बी डिप्राइव्ड ऑफ कॉस्ट, आंसर इज सी, पेरेट की लैंग्वेज है, ठीक है? नाउ अंडर सीपीसी फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजन ऑफ द कंपनसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉल्स एंड वेक्सेशियस क्लेम और डिफेंस हैज बीन मेड, कहां पर है? ANS का आंसर दो, और कितने ये कॉस्ट, 3,000 3,000, ये याद रखना, ठीक है? 3,000 इसका अमाउंट याद रखना है आपको, और एक वर्ड जो है ना लेस, ये भी याद रखना है। नाउ सी क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 9, कंपनसेटरी कॉस्ट अंडर सेक्शन 35A ऑफ द सीपीसी कैन बी इम्पोज टू द एक्सटेंट ऑफ, 35A ऑफ द सीपीसी कैन बी इम्पोज टू द एक्सटेंट ऑफ, किस हद तक हो सकता है? 3,000, आंसर इज ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज अपीलेबल, इनमें से कौन सा ऑर्डर अपीलेबल है? क्या ऑर्डर नंबर 3 अपीलेबल है, बी, 35A या बी, कौन सा होगा अपीलेबल बताइए? 43 में किसका रेफरेंस है, ऑर्डर नंबर 43? हाँ जी, 35A 35A, 35A 3,000 वाली बात करता है, वेक्सेशियस क्लेम, ओके। और ये जो हमारा है 35B, ये बात करता है कॉजिंग डिले, ठीक है? कॉजिंग डिले, कॉस्ट फॉर द कॉजिंग डिले, तो वो अपीलेबल नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा, कहाँ गया ये, ठीक है, ओके, द आंसर इज बी। 3,000 रुपये अगर वो साबित कर सकता है ना कि मेरा जो क्लेम था वो वेक्सेशियस नहीं था, बट अगर डिले हुई है, तो डिले अगर हुई है तो तुमने अगर करी है तो यू हैव टू पे द कॉस्ट। इन द कोड ऑफ सीपीसी सेक्शन 35B इज एडेड बाय द अमेंडमेंट 76 में फॉर द प्रोवाइडिंग, क्या है, कॉजिंग डिले के लिए, ठीक है? ईयर भी याद रख लेना, 1976 शायद आ जाए, ठीक है? कॉजिंग डिले 35B। नाउ द कॉस्ट इम्पोज अंडर सेक्शन 35B ऑफ सीपीसी, अब ये क्या है, शैल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट अवार्डेड इन द डिक्री पास इन द सूट, ये तो अलग से होती है ना कॉस्ट, या उसी में होती है डिक्री में ही, अलग से होती है, ठीक है? तो शैल नॉट इंक्लूड, इंक्लूड नहीं होगी, द कॉस्ट अवार्डेड इन द डिक्री पास इन द सूट शैल इफ नॉट पेड बी एग्जीक्यूटेबल अगेंस्ट द पर्सन ऑन होम द कॉस्ट हैज बीन इम्पोज, तो आंसर हो जाएगा डी,
दोनों है, पहला वाला नहीं है, शैल भी इंक्लूड नहीं होता है, कॉस्ट अलग देनी पड़ेगी डिक्री से, खर्चे जिसको बोलते हैं। नाउ एग्जीक्यूशन, अब आता है एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर, दैट इज ऑर्डर नंबर 21। लेकिन अभी हम ऑर्डर की तरफ नहीं पढ़ रहे, अभी हम सेक्शंस पढ़ रहे हैं, ऑर्डर नंबर 21 एंड द सेक्शन 36 to 74, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें, और ये यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन तो बनता ही है, तो फोकसली पढ़िएगा। नाउ द प्रिंसिपल गवर्निंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर इन द सीपीसी आर डेल्ट विद 36 से 74, ये सब्सटेंटिव लॉ है, ऑर्डर 21 प्रोसीजरल, तो आंसर पहले ही में खत्म हो जाता है, आंसर इज ए। देन वी हैव द एक्सप्रेशन द कोर्ट विच पास अ डिक्री इज, वो 36 है तो 37 में ही बात की गई है, कोर्ट विच पासेस अ डिक्री, इसको अब आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना, 36 में सिंपल सी बात की गई है, 37 में इस कोर्ट विच पास अ डिक्री की बात की गई है, ठीक है। 36 तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही नहीं, एप्लीकेशन टू ऑर्डर, 37 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आया हुआ है, कीप इन माइंड ओनली। नाउ डिक्री मे बी एग्जीक्यूटेड अंडर सीपीसी बाय, अब ये सीपीसी में जो डिक्री कौन एग्जीक्यूट करवाता है, कलेक्टर करवाता है क्या, नहीं, सब कलेक्टर नहीं, तहसीलदार नहीं, कोर्ट विच पास इट, आपने सुना ही होगा एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन कहाँ लगती है, हाँ जी, किस कोर्ट में लगेगी, कोर्ट विच पास अ डिक्री, जिसने पास करी वही लग उसी में लग जाती है, ओके, तो जिसने पास करी वहीं पे ही, लेकिन एग्जीक्यूट कौन करेगा, सर इट कैन बी द सेम कोर्ट और इट कैन बी द अदर कोर्ट, ठीक है, सेम कोर्ट हो सकती है या दूसरी कोर्ट, अदर कोर्ट जिसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजा गया है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है भाई मैम ने एक दिल्ली की कोर्ट ने डिक्री पास करी है, लेकिन जो सामने वाला इंसान है जिसके अगेंस्ट हुई है जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी दिल्ली में तो है ही नहीं, उसकी सारी संपत्ति कहाँ पर है, यूपी में है, तो दिल्ली की कोर्ट क्या करेगी, क्या यूपी की कोर्ट को भेजेगी ना डिक्री एग्जीक्यूशन करने के लिए, Yes. हाँ जी, तो यूपी की कोर्ट क्या करेगी, उस डिक्री को दोबारा देखेगी, कि दिल्ली की कोर्ट ने सही डिसाइड करा नहीं करा, लेट मी सी एविडेंस सही लिए नहीं लिए, क्या करेगी, नो, द आंसर इज नो, यूपी की कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री, क्योंकि भैया दोनों पैरेलल ज्यूरिसडिक्शन में तो बैठे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि दिल्ली की कोर्ट जो है वो नीचे यूपी की कोर्ट से, यूपी की कोर्ट ऊंची है दिल्ली से, ऐसा नहीं होता, तो बट अगर यूपी की कोर्ट को एग्जीक्यूशन करने में, अगर उसको सेटिस्फाई करने में, डिस्चार्ज करने में, एक वर्ड और है, कौन सा वर्ड है, सेटिस्फेक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन सेटिस्फेक्शन डिस्चार्ज करेगी बस वो, द कोर्ट कैन नॉट गो बिहाइंड द डिक्री, ये बात की गई है सेक्शन 47 में, ठीक है। अब लेकिन वो और क्या चीजें कर सकती है, ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं कि आप एल आर भी है या नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपकी है भी है नहीं है, इतना देख सकती है बस, ठीक है, लेकिन ये नहीं देख सकती कि भाई क्या ये, ऑफ कोर्स की बात है, एग्जीक्यूशन की जब बात आएगी तो यूपी की कोर्ट ये तो देखेगी ना, यूपी के कोर्ट का मतलब है जो एग्जीक्यूट करने जाएंगे, जज साहब खुद थोड़ी ना उठ के जाएंगे एग्जीक्यूट कराने, कौन जाता है एग्जीक्यूट कराने, हाँ जी, कौन जाता है, हाँ जी, सर कोर्ट ऑफिशियल्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, कोर्ट ऑफिशियल्स में क्या बेलीफ आएगा नहीं आएगा, यस यस, तो बेलीफ जाता है अक्सर, ठीक है, प्यादा पता नहीं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, तो वो लोग जाते हैं, बेलीफ जाता है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, तो ये सेटिस्फेक्शन में सेटिस्फाई कराएगी डिक्री को, ठीक है, और डिस्चार्ज करवाएगी और एग्जीक्यूट कराएगी, बट इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं करेगी, कोर्ट जो है हमें डिक्री के पीछे जाके झांकेगी नहीं कि भाई इसमें क्या क्या गलतियां करी है, ऐसा नहीं देख सकती कोर्ट। अब अगर डिक्री को एग्जीक्यूट कराना है इंडिया से बाहर तो कैसे होगी, दैट्स नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, फिर भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया था सेक्शन 44A, हमारे पास जो रेसिप्रोकेटिंग स्टेट्स कंट्रीज होती हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंट्रीज, तो वहां की जो कोर्ट है, यहाँ की कोर्ट यानी इंडिया की कोर्ट और इंग्लैंड की कोर्ट में आपस में एक तरीके का एग्रीमेंट है, और वैसे भी दे आर अबाइड बाय द इंटरनेशनल लॉ को अगर फॉलो करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द कमिटी ऑफ द नेशंस कुछ कॉमन लॉज बन जाते हैं, दैट्स व्हाई इंडिया की कोर्ट इंग्लैंड में, इंग्लैंड की कोर्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकती है डिग्री, यहाँ की इंग्लैंड की कोर्ट क्या करेगी, भाई अपने एक सर्टिफिकेट देगी, ठीक है, सर्टिफिकेट इशू करती है कि भाई यहाँ ये जो मैंने एनफोर्स करा ली है, बाकी रिमेनिंग अमाउंट आप करवा दीजिए, तो इंग्लैंड की कोर्ट इंडिया में भेजेगी, इंडिया की कोर्ट इंग्लैंड में भेजेगी, डिग्री एग्जीक्यूट हो सकती है।
आगे चलते हैं, एमसीक्यू करते हैं, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बेसिक बातें तो समझ में आई गई होंगी। द डिक्री में बी एग्जीक्यूटेड बाय व्हाट, बाय हूम, डीजे साहब नहीं, कमिश्नर नहीं, कोर्ट विच हैज पास द डिक्री, कोर्ट विच हैज पास द डिक्री बिल्कुल हो सकता है, द ईदर बाय द कोर्ट विच हैज पास द डिक्री और विच द डिक्री सेंड फॉर एग्जीक्यूशन, तो ये है क्योंकि इसमें तो एक अधूरी बात है, इसमें पूरी बात लिखी है, दोनों कर सकते, तो आंसर इज डी। ठीक है गाइस, और ये क्वेश्चन आता है बार बार, कितनी बार आ चुका है। नाउ एप्लीकेशन इज प्लेस बिफोर द फॉलोइंग कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, कहाँ पे एप्लीकेशन लगाएंगे आप, सेम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, बिफोर दैट कोर्ट विच हैज पास अ डिग्री, बिफोर दैट कोर्ट विच हैज पास अ डिग्री बिल्कुल लगाएंगे, बिफोर दैट कोर्ट वेयर द डिफेंडेंट इज रेसाइडिंग टेम्परली अंडर लोकल जुरिस्डिक्शन, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, बिफोर दैट कोर्ट वेयर द एग्जीक्यूशन प्रॉपर्टी इज अवेलेबल अंडर लोकल जुरिस्डिक्शन, नहीं वहां थोड़ी ना लगाएंगे, अरे दिल्ली की कोर्ट ने पास करी तो हम एप्लीकेशन तो दिल्ली में लगाएंगे या यूपी चले जाएंगे, हाँ जी, जहां पे उसकी प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहां नहीं जाएंगे, ये तो कोर्ट का काम है, कोर्ट एग्जीक्यूट करवाएगी। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी कहीं और सिचुएटेड है तो फिर वहां ट्रांसफर हो जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए, तो आंसर इज बी। नाउ अ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी सेंड टू, कहां नहीं भेजी जा सकती, अ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन कैन नॉट बी सेंड टू फॉरेन कोर्ट, कोर्ट आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सी ए एंड बी और डी, Neither A nor B, इसका आंसर क्या होगा, हाँ जी, फॉरेन कोर्ट को भेजी जा सकती, नहीं भेजी जा सकती है, हाँ जी बताइए जल्दी से, कोर्ट आउटसाइड इंडिया एस्टैब्लिश्ड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ तो हो ही जाएगी एग्जीक्यूट, आंसर इसमें दे रखा है A, A के पास नहीं होगी, अब पता नहीं किस तरीके से ड्राफ्ट किया भाई क्वेश्चन, फॉरेन कोर्ट में भी एग्जीक्यूट हो जाती है, कैसे होती है एग्जीक्यूट, वहां की कोर्ट को, वहां की कंट्री को भेजा जाता है। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन को होल्ड पर डालते हैं। नाउ एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री मे बी ट्रांसफर वन कोर्ट टू अनदर, एग्जीक्यूशन की जो डिक्री है, हमें जो डिक्री आई है उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, इट कैन बी ट्रांसफर वन कोर्ट टू अनदर, कैसे, इफ द पार्टी फील दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द डिलेइंग जस्टिस ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट, क्या इस ग्राउंड पे ट्रांसफर होती है क्या, इफ द पार्टी फील दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिलेइंग द जस्टिस ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट, नो, इफ द डिफेंडेंट लिव्स और डज बिजनेस इन द ज्यूरिशन ऑफ दैट कोर्ट वेयर द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन डिग्री हैज टू ट्रांसफर, बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है ही, इफ द प्लेंटिव हैज गॉन फॉर द ज्यूरिशन, ये नहीं है, अरे प्लेंटिव ने अपना घर शिफ्ट कर लिया, ये थोड़ी ना बात है, नॉट इंक्लूडेड इन दिस, तो आंसर इज बी। ठीक है, तब कर सकते हैं, बी में कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर, द कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट द डिग्री, कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है, कोर्ट विच हैज पास अ डिग्री कॉम्पिटेंट है, कोर्ट टू विच इट इज सेंट फॉर एग्जीक्यूशन ये भी कॉम्पिटेंट है, ठीक है, तो कलेक्टर नहीं है, ठीक है, आंसर इज डी। नाउ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39 ऑफ सीपीसीआर, ये कैसे है सेक्शन, मैंडेटरी है या नहीं है, इट इज मैंडेटरी और परमिसिव, नॉट परमिसिबल ऐसा नहीं है, नहीं मैंडेटरी एंड डिस्क्रिशन तो दोनों हो ही नहीं सकते, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, तो आंसर इज ए। सेक्शन 30 क्या है, 39 ट्रांसफर ऑफ अ डिग्री, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, पूरा पढ़ लेना, ठीक है, पूरा पढ़ लेना एक बार रीड जरूर कर लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और लास्ट में मैं इसके एग्जीक्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन बता दूं, कौन कौन को आप किस किस को आपको एटलीस्ट देखना है, 38, 39 दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, 38, 39 से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, सेक्शन भी पूछ सकते हैं, ठीक है, 38 कोर्ट बाय विच द डिग्री में भी एग्जीक्यूटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, और 39 ट्रांसफर ऑफ अ डिग्री दोनों इंपॉर्टेंट है। नाउ वेयर अ डिग्री इज टू बी सेंट टू द कोर्ट इन अनदर स्टेट, जहां पे डिग्री को भेजा जाना है टू द कोर्ट इन अनदर स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन, इट हैज टू बी सेंट बाय, कौन भेजेगा, हाई कोर्ट जाएंगे क्या, नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे क्या, नहीं, द कोर्ट विच पास अ डिक्री वही भेज देती है, ठीक है, कंसेंट ऑफ हाई कोर्ट नहीं, ऐसा तो लिखा ही नहीं, बेरक पढ़ेंगे तो आंसर इज सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, द कोर्ट विच पास अ डिक्री मे ट्रांसफर इट टू अनदर कोर्ट, अनदर कॉम्पिटेंट कोर्ट, इफ इट, इफ द जजमेंट डेटर कैरीज ऑन अ बिजनेस विद द ज्यूरिशन ऑफ द लेटर कोर्ट, बिल्कुल ठीक है,
जजमेंट डेटर हैज नो प्रॉपर्टी विद इन द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द फॉर्मर सफिशिएंट, ठीक है ये बात भी सही कह रहा है कि जिस कोर्ट ने डिग्री पास करी है वहां उसकी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ठीक है सच ए डिग्री बट द प्रॉपर्टी विद इन द दूसरी जो कोर्ट है जहां भेजी गई वहां पर है, बिल्कुल ठीक है। डिग्री डायरेक्ट द सेल ऑफ द मॉल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड द लोकल जिक्शन द फॉर्मर सूट, ठीक है तो आंसर इज डी, ठीक है वहां भेजी जाती है जनरली डिग्री। अ कोर्ट टू विच डिग्री हैज बिकम ट्रांसफर फॉर द एग्जीक्यूशन कैन नॉट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग, अ कोर्ट टू विच डिग्री हैज बीन ट्रांसफर जिसको भेज दी गई है फॉर एग्जीक्यूशन के लिए कैन नॉट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग क्या नहीं कर सकती, ऑर्डर नहीं कर सकती क्या अटैचमेंट का, बिल्कुल कर सकती है। अ कोर्ट टू विच डिग्री हैज बीन ट्रांसफर फॉर एग्जीक्यूशन कैन नॉट क्या नहीं कर सकती, तो ये तो गलत हो गया। एग्जीक्यूट द डिग्री अगेंस्ट द एलान ये भी कर सकती है, ठीक है ऑफ द डिसीज जजमेंट डेटर, सेंड द डिग्री फॉर द एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट, ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री क्या नहीं कर सकते, ठीक है कोर्ट टू विच द डिग्री हैज बीन ट्रांसफर फॉर द एग्जीक्यूशन कैन नॉट क्या नहीं कर सकती, ऑर्डर द एग्जीक्यूशन एंड द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ द डिग्री, ऐसा थोड़ी ना है कि ट्रांसफरी की जो मर्जी होगी वो चलेगा, तो ये सारी चीजें तो कर ही सकती है, अटैचमेंट करेगी डिग्री को जो उसकी प्रॉपर्टी है बिल्कुल कर सकती है, ठीक है क्या डिग्री एलआर के अगेंस्ट भी होगी एग्जीक्यूट, अगर वो जजमेंट डेटर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके एलआर के अगेंस्ट तो एग्जीक्यूट होगी ही, सेंड द डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन टू अनदर कोर्ट किसी और कोर्ट को भी भेज सकती है, लेकिन ये नहीं करेगी ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द इंस्टेंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द डिग्री, तो आंसर इज जी। The word competent jurisdiction under section 13 and CPC refers to किससे संबंधित है competent jurisdiction, territorial और pecuniary दोनों है, territorial भी है pecuniary भी है, territorial and pecuniary both, तो answer is C। अच्छा देखो generally CPC में तीन तरीके की बात की गई है jurisdiction को लेकर, कौन कौन सी jurisdiction है sir, territorial, pecuniary and subject matter, एक हो गया पेक्यूनरी, दूसरा हो गया टेरिटोरियल, तीसरा हो गया सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर तो विषय वस्तु, अगर ऑफ कोर्स ही बात है अगर एक कंज्यूमर फोरम का मैटर है तो कंज्यूमर फोरम जाएंगे ना, कंज्यूमर से संबंधित है तो वो होता है सब्जेक्ट मैटर, टेरिटरी ये मैटर कहाँ जाएगा, दिल्ली का मामला दिल्ली में रहेगा यूपी जाएगा, ठीक है और दिल्ली के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिवाइडेड है कि कौन सा ज्यूरिसडिक्शन किस कोर्ट के तहत आएगा, और उसके बाद पेक्यूनरी लिमिट। अच्छा एक बात और मेरे को याद आ गई, चलो आपको लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन की बात बता ही देता हूँ, जैसे पेक्यूनरी वर्ड आया है एक्सप्लेनेशन नंबर 8 तो याद होगी, हाँ जी हर्षना जागो आवाज नहीं आ रही, यस सर ओके चलो मैं बताता हूँ, आपने एक क्वेश्चन उठाया था बता ही देता हूँ, एक्सप्लेनेशन नंबर 8 में एक लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन था, ठीक है उसमें बात की गई है, देखो होता क्या है थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी लिखने के लिए, जस्ट वेट क्विकली समझा देता हूँ नहीं तो बार बार आपको टेंशन होगी। देखो दो कोर्टे एक है फॉर्मर सूट एक है सब्सिक्वेंट सूट, हम बात किसी कर रहे थे रेस जुडिकाटा में है ना, ये एक्सप्लेनेशन नंबर 8। अब ये होता क्या है जैसे सपोज कीजिए फॉर्मर कोर्ट है, जब फॉर्मर कोर्ट ने मान के चलो 2014 में यहाँ पे हमने सूट फाइल किया था, जब 2014 में हमने सूट फाइल किया था ए ने बी के खिलाफ तो इस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन था 2,00,000 रुपए तक का, लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन लिखा है ना, लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन यानी 2,00,000 तक का मैटर सुना जा सकता था, यहाँ पर ए ने बी के खिलाफ इसकी एक प्रॉपर्टी थी, इसको रिकवरी का सूट डाला था कि मेरी प्रॉपर्टी वापिस दी जाए जिसकी वैल्यू है 1,00,000 रुपए, ठीक है क्या ये इस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में था मामला, हाँ जी यस और नो, क्यों क्योंकि कोर्ट की वैल्यू कितनी थी 2,00,000, कोर्ट डिसाइड कर सकती है 2,00,000 के मैटर तक को, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 1,00,000, वेदर इट वाज विद इन द ज्यूरिडिक्शन और नॉट इट वाज, यानी ये जो कोर्ट ने डिसाइड किया ये मामला कैसा था, ये वैलिड था नहीं था, डिग्री अगर आ गई तो ये अपना में वैलिड डिग्री थी, दैट कोर्ट वॉज कॉम्पिटेंट, पहले कॉम्पिटेंट थी। अब ये इंसान रेस जुडिकाटा क्या है, रेस जुडिकाटा ये कहता है ना कि अगर एक बार डिसाइड हो गई है, एक बार मामला डिसाइड हो गया तो बार बार क्यों जा रहे हो, क्यों मेरे को परेशान कर रहे हो, बी को परेशान क्यों कर रहे हो, ठीक है भाई ऐसा हो सकता है ना ये मामला बी के फेवर में आ गया हो,
एस खुश नहीं है, बड़ा परेशान है कि बी के फेवर में कैसा चला गया, प्रॉपर्टी तो मेरी थी, मुझे मिलनी चाहिए थी। ए क्या करता है 2019 में 15 साल बाद एक और सूट फाइल कर देता है। अब फाइल करता है 2019 में, अब एक बात बताइए प्रॉपर्टी की वैल्यू 2014 में कितनी थी? हाँ जी 2 लाख 1 लाख 1 लाख प्रॉपर्टी की वैल्यू कह रहा हूं मैं, कोर्ट की बात नहीं कर रहा, 1 लाख थी। क्या एक बात बताइए 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी 2019 में 1 लाख की ही रहेगी क्या? हाँ जी नहीं, कितने की हो जाएगी आप अंदाजे से बताइए कितने की हो जाएगी? 15 साल हो गए ना, 15 साल में 1 लाख की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी प्रॉपर्टी की? अरे आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही है क्या? आप लोग सो रहे हैं क्या? थोड़ा तेज बोलिए। तो बढ़ेगी तो मान के चलू 10 लाख हो जाएगी, ज्यादा ही हो जाएगी वैसे तो 10 लाख हो जाएगी। तो अब ये जो सबसिक्वेंट कोर्ट है, सबसिक्वेंट कोर्ट जो सूट फाइल हुआ दूसरी कोर्ट में, तो अब जैसे अगर सपोज ने यहाँ सूट फाइल कर दिया है तो क्या पहली बात जो ए है कह सकता है कि नहीं वो जो कोर्ट थी उसके पास तो ज्यूरिडिक्शन नहीं है आज के हिसाब से, आज तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख है। तो कोर्ट ये कहती है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, अरे जब उसने सूट फाइल किया था तब तो वो अपने आप में वैलिड था और उसकी ज्यूरिडिक्शन थी, आज के हिसाब से जो पुरानी कोर्ट है उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए तक का ज्यूरिडिक्शन डिसाइड करने का था। 2019 में देखा जाए तो जो प्रीवियस कोर्ट थी, प्रीवियस कोर्ट थी यानी जो फॉर्मर सूट था, वो कहीं ना कहीं क्या हो चुकी है, अब वो इनकैपेबल हो गए टू हियर दिस मैटर। अगर आज के हिसाब से देखेंगे तो वो इनकैपेबल हो गया है, तो इसलिए यहाँ कहा गया है चाहे सेकेंड सूट है। अब सेकेंड सूट है तो उस वक्त तो वो अपने आप में कॉम्पिटेंट थी ना कोर्ट, तब भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, तब भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। ठीक है, आज 10 लाख हो गई है, देखा जाए तो 2 लाख थी पहले उस कोर्ट की वैल्यू डिसाइड करने की हद जो थी कोर्ट की 2 लाख थी, आज प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख हो गई है, तो भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा उस पर। ठीक है, समझ में आया? वैल्यू इफेक्ट नहीं करेगी उसे। हाँ जी, अगर वो क्योंकि कोर्ट ने जो थी वो अल्टीमेटली लिमिटेड ज्यूरिडिक्शन में थी, ठीक है, आज उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की बढ़ चुकी है यानी एक्सीड कर चुकी है प्रॉपर्टी की वैल्यू से, कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन से ज्यादा हो गई ना वैल्यू 10 लाख। अरे कोर्ट की तो 2 लाख थी और आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख हो गई है यानी वो बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पीछे वाला जो फॉर्मर सूट है वो इनवैलिड हो जाएगा। अगर उसने दूसरा सूट फाइल करा तो कोर्ट कह दे कि भाई साहब वो पहले डिसाइड हो चुका है, वो कहेगा जनाब उसकी तो कोर्ट की पेक्यूनरी वैल्यू 2 लाख है। अरे आज के हिसाब से 2 लाख है ना, जब उसने डिसाइड किया तब तो वो कॉम्पिटेंट थी, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। ओके गाइस, यस सर, समझ में आ गया? यस सर, आता नहीं आ दो बच्चों को? चलिए वैसे आसानी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके आगे चलते हैं। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द प्रिसेप्ट्स कहां दे रखा है? सेक्शन 46 में। प्रिसेप्ट होता क्या है? प्रिसेप्ट तो कल बताया था यामिनी ने। हाँ जी यामिनी, आर यू देयर? यस सर। क्या है प्रिसेप्ट? सो ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर। हाँ जी, एक कोर्ट दूसरी कोर्ट को कहेगी कि काम कीजिए, इसकी प्रॉपर्टी आपके ज्यूरिडिक्शन में है, आपके ज्यूरिडिक्शन में प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा, इसको अटैच करवा दीजिए। अच्छा प्रिसेप्ट के अंदर एक चीज याद रखना, कितना टाइम पीरियड दे रखा है, कितने दिन तक वैलिड रहेगा या मंथ तक वैलिड रहेगा? 2 मंथ्स। ये लिख लेना, नोट कर लो। आगे चलते हैं। प्रिसेप्ट मींस क्या होता है? एक ऑर्डर होता है। ओके नाउ एज पर द सेक्शन 46 ऑफ द सीपीसी, द प्रिसेप्ट मींस एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट व्हिच पास अ डिक्री एंड एड्रेस टू व्हाट? किसको होता है प्रिसेप्ट? प्रिसेप्ट किसको ऑर्डर पास होगा? मींस एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट व्हिच पास अ डिक्री एंड एड्रेस टू, किसको होगा? कोर्ट को होगा या पार्टी को होगा? कोर्ट को होगा, अदर कोर्ट को। टू अटैच द प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर स्पेसिफाइड इन द प्रिसेप्ट। आगे चलते हैं। ओके, एन ऑर्डर डायरेक्शन, एन ऑर्डर और डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट व्हिच पास अ डिक्री टू कोर्ट व्हिच वुड बी कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट द डिक्री टू अटैच एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर इज कॉल्ड, क्या होता है? प्रिसेप्ट होता है। दोबारा पढ़िए, ऐसा ऑर्डर या डायरेक्शन जब एक कोर्ट
given by the court which passed a decree to the court which would be competent to execute the decree. जब दूसरी court के पास execution के लिए भेजा गया है जो कि अपने आप में competent है to attach any property belonging to the judgment debtor is called precept कहलाएगा. गार्निश ऑर्डर नहीं होता, इंटरलॉक्टरी ऑर्डर नहीं होता, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन नहीं होगा. ओके, द प्रिसिप्ट आर इशूड अंडर सेक्शन 46 फॉर क्या पर्पस है? समन जाते हैं कोई? अरे नहीं, ठीक है, सर्विंग अ वारंट होता है? नहीं, प्रॉपर्टी होता है, तो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी अटैच कर लो, पता चला भाग जाएगा, तो सी है. ओके, Now, which provision deals with the determination of the question regarding the discharge? यहाँ क्या question? जो मैंने तीन keywords बताए थे, याद रखना, discharge, satisfaction और एक word और है, क्या है? Execution. क्या है आप? कौन सा section है? 47 है, नहीं है? 48, 47. ठीक है, ये गड़बड़ हुई तो problem आ जाएगी, चार number चले जाएंगे और minus अलग और होगा. Section 47 of the CPC, which question does not relate to the execution, discharge or satisfaction, does not relate, से संबंधित नहीं है. कौन सा नहीं है? Where the decree is executable, बिल्कुल है. Where the property is liable to be sold in the execution, ठीक है. Whether the decree is fully satisfied, तीनों बात, दो बात तो ये वैसी नजर आ रही है. और execution, where the decree is a fraudulent collusive, नहीं होनी चाहिए, तो ये है इसका आंसर. Now, executing court cannot determine the question relating to which of the following. ये important question है, यहाँ से question आते ही हैं. Execution का एक भी question miss नहीं होना चाहिए जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ. और आखिर में मैं इसके बता भी दूंगा कि किन किन question sections पे आप एक बार और reading कर लेना. सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सारे पढ़ोगे तो पढ़ लेना, लेकिन अगर time बचाना है और subject को भी देना है तो थोड़ी limited और smart study करनी होती है. An executing court cannot determine the question relating to which of the following. Execution से deal करता है, discharge से, satisfaction, modification से नहीं deal करता है. याद रहेगा? तीन word याद रखने इसके. Now the question that can be determined by the court executing the decree is relating to execution alone, discharge alone, part payment alone, execution, discharge and satisfaction. The question that can be determined by the court executing the decree. देखो इन्होंने अलग अलग दे रखा, बात तो ये भी ठीक है लेकिन अनरूल लिख दिया, बात ये भी ठीक है अलोन लिख लिया, पार्ट पेमेंट अलोन ये भी ठीक है वैसे लेकिन इन्होंने अलोन लिख दिया, तो आंसर हो जाएगा डी. Now during proceeding of the execution of the decree, if the question arises as to whether any person is or is not representative of the party. अब ये देखिए, जब कोर्ट एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, यूपी की कोर्ट, दिल्ली की कोर्ट के ऑर्डर को यूपी की कोर्ट एग्जीक्यूट करवा रही है, यूपी की कोर्ट को प्रॉब्लम ये आई निर्धारित करने में कि जिसकी प्रॉपर्टी है वो तो मर चुका है, अब इसके एलआर कौन है, तो क्या यूपी की कोर्ट डिसाइड करेगी या वापस भेज देगी दिल्ली की कोर्ट के पास? तो कर देगी, बिल्कुल कर देगी, ठीक है. वेदर एनी पर्सन इज ऑर नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी, सच क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट, कौन डिसाइड करेगा, हुम? The court which passes a decree, नहीं ये नहीं करेगी, by the executing court ही कर देगी. अरे छोटे मोटे इसको मैं क्या incidental word बोल सकता हूँ, सहायक चीजें, incidentally चीजें होंगी, वो तो court कर सकती है ना, तो executing court करेगी. अपील में जाएंगे क्या? अरे नहीं, separate suit होगा, फिर res judicata प्रलाम problem करेगा, वापिस चलते हैं B पे, तो B ही करेगा, executing court कर देगी. Now where a judgment debtor dies, मर जाता है, before the decree has been fully satisfied, तो क्या होगा? The same cannot be executed against. अरे गलत, the same cannot, नहीं ये तो गलत बात कह रहा है, क्या देखना है इसमें? Where a judgment, अच्छा पूरा करना है sentence को. Where a judgment debtor dies before the decree has been fully satisfied, the same can be executed against anyone of the legal representative of the judgment debtor in the its entirety. सारे पढ़ने पड़ेंगे, तो the same can be executed against all the LR. The same can be executed against any number of the LR as decree holder wants. ये तो होगा ही नहीं, मर्जी थोड़ी ना चल रही है, सबों को बनाया जाएगा पार्टी, तो इसका आंसर है the, एक बार बी और सी और देख लेते हैं, the same can be executed against anyone. अच्छा anyone लिखा इसलिए नहीं होगा, ठीक है, anyone legal representative judgment debtor in the its entirety.
ये नहीं होगा, फिर ये होगा सेम कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट ऑल दी एल आर, ठीक है ऑल दी एल आर, ऐसा थोड़ी ना है पिक एंड चूज थोड़ी ना होगा। हाँ जी आगे पिक एंड चूज नहीं होगा कि जिसका मन करे वो आ जाओ, जो नहीं आ रहे अपने घर जाइए। ओके नाउ एक्सपार्टेड डिग्री पास बाय द कोर्ट ए, एक्सपार्टे है ठीक है, एन एक्सपार्टेड डिग्री पास बाय द कोर्ट ए वॉज ट्रांसफर टू कोर्ट बी, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ठीक है, फॉर द एग्जीक्यूशन एंड द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग आर पेंडिंग इन द कोर्ट बी, कोर्ट ए है कोर्ट बी है, एक्सपार्टे इसने पास करा है एग्जीक्यूशन के लिए बी को भेज दिया है, द कोर्ट ए सेट असाइड द एक्सपार्टेड डिग्री। ओके तो ये वाली जो कोर्ट है जहां से डिसाइड हुआ था केस, डिग्री आई थी, इसने क्या कर दिया सेट असाइड कर दिया, क्या एक्सपार्टे जब सेट असाइड कर दिया तो दोबारा मैटर चलेगा ना ये कोर्ट में, रीहर्ड रीहर्ड होगा। ओके द कोर्ट ए सेट असाइड द एक्सपार्टेड डिग्री एंड ऑन रीहियरिंग फ्रेश डिग्री वॉज पास ऑन द सेम टर्म। ओके अब दोबारा सुना तो फ्रेश डिग्री हो गई पास। अब एक बात बताइए जब फ्रेश डिग्री आएगी तो ये फ्रेश डिग्री ऑफकोर्स ही बात है वैसे तो बी कोर्ट पर दोबारा भेजी जाएगी या बी वाली जो कोर्ट के बाद पहले गई थी उसी को चेंज वेंज कर लेगी, जब वापस भेजी जाएगी नहीं दोबारा से एग्जीक्यूशन होगी, दोबारा से नई एप्लीकेशन लगेगी क्योंकि फ्रेश डिग्री आ चुकी है ना, नई एप्लीकेशन लगेगी। ओके तो बी ऐसा नहीं कर सकती कि अपने हिसाब से मॉडिफाई करके फ्रेश डिग्री बना के एग्जीक्यूट करा दे, ऐसा नहीं होगा। Now the fresh decree. Since the new decree was passed on the same terms as the decree which is set aside, the execution proceeding will continue. नहीं, बिल्कुल नहीं होगा. The court B can continue to execute the expired decree since the order of the transfer has not been recalled. ये तो हो ही नहीं सकता. The court B can continue to execute the expired decree since the order of the transfer has not been recalled. ठीक है आगे चलते हैं, द डिग्री होल्डर कैन सीक अमेंडमेंट टू द एग्जीक्यूशन, अमेंड थोड़ी ना होती, एग्जीक्यूशन अमेंड नहीं होगी, द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इन द कोर्ट बी कम्स टू एन एंड एंड फ्रेश प्रोसीडिंग। ओके यहाँ पर है वर्ड फ्रेश एग्जीक्यूशन पिटीशन वुड हैव टू बी फाइल फॉर द न्यू डिग्री। ठीक है ऐसा नहीं कि पुरानी में थोड़ा अमेंड कर दिया चेंज कर दिया तो चल जाएगा काम, फ्रेश होगी दोबारा से ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने क्या पता कुछ और चीजें डिसाइड करी हो। तो आंसर इज डी, ठीक है आंसर इज डी। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द टर्म एलआर अंडर सेक्शन अंडर सीपीसी, वैसे एलआर कहां दे रखा है 211, द पर्सन हु इज लॉ एस्टेट, द पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। ठीक है ये तो पता है सब लोगों को, आपको तीन चीजें करवाई है ना, क्या क्या होती है तीन चीजें, दूसरा वर्ड देखो द एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड एंड वेयर अ पार्टी सूज इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द पर्सन ऑन होम द एस्टेट डेवॉल्व्ड, डेवॉल्व्ड उसके मरने के बाद जिसके पास संपत्ति जाती है उसकी एस्टेट वो भी होगा। एनी पर्सन हु इंटरमेडल विद द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड एंड वेयर अ पार्टी सूज इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर द पर्सन ऑन होम द एस्टेट डेवॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो सूड। ओके मुकदमा करने वाला और जिसमें मुकदमा हुआ है, दोनों प्लेंटिव और डिफेंडेंट के लिए है, ये सिर्फ प्लेंटिव प्लेंटिव के लिए है एलआर, हाँ जी दोनों की साइड से बात करता है। तो आंसर इज डी, प्लेंटिव के एलआर है तो भाई डिफेंडेंट के भी तो एलआर होंगे जिन पे मुकदमा हुआ है। ओके अंडर सेक्शन 51 ऑफ द सीपीसी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट अ मेथड ऑफ एनफोर्स एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, कौन सा मेथड नहीं होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है एक चीज ध्यान रखना, इसमें कमीशन तो है ही नहीं, बट एग्जीक्यूशन में कमीशन नहीं होगी। ठीक है रिसीवर अपॉइंट होता है, और देखो एक चीज इसका लॉजिक भी लगाना, डिक्री कब आती है, डिक्री तो फाइनल एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट है व्हिच इज कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टीज, एम आई राइट, तो ये तो कमीशन तो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग है या नहीं है। हाँ जी यस सर, ये बीच की बात आखिर में कैसे आ जाएगी, आएगी क्या, हाँ जी यस सर, जब एग्जीक्यूशन आ रहा है ना तो बीच की बात नहीं आएगी, तो कमीशन तो बीच में इशू होती है ना, फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, इंस्पेक्शन होगी तभी तो कोर्ट डिक्री तक पहुंचेगी, लॉजिक लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो,
हाँ जी सर, अरे स्पीड से चल रहा हूँ क्या, हल्के चलना पड़ेगा। लॉजिक लगाना पेपर में भी, लॉजिक, क्योंकि कमीशन तो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग है। कहाँ पर है सेक्शन 75 है, कौन सा है? इंसिडेंटल प्रोसीडिंग लिखा है ना, ये तो काम होते हैं सारे। ऑर्डर 26 है। हाँ वो तो ऑर्डर 26 है भी, लेकिन अगर आप सेक्शन, अभी मैं सेक्शंस कवर कर रहा हूँ ना, ऑर्डर नंबर 26 तो है ही। अब ये देखो, ये बीच के काम नहीं लग रहे, इन्वेस्टिगेशन करना, एडजस्ट अकाउंट करना, पार्टीशन करना, साइंटिफिक टेक्निकल एंड एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है, यह सामान को बीच में बेच देना, स्पीडी नेचुरल डिग्री की है, ये क्या डिग्री के काम है? ये तो बीच के काम है, डिग्री तक पहुंचने में इनकी जरूरत पड़ती है कमीशन इश्यू करने की। इज दैट क्लियर? अब आप अपना आंसर लगाइए, देखिए लॉजिक लगेगा। बाय अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर, रिसीवर कब अपॉइंट होता है? ठीक है, रिसीवर कब अपॉइंट होता है? ए कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी, बी कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी, कोर्ट कहेगा दोनों हटिए यहाँ से, ये मकान जाएगा रिसीवर के पास, रिसीवर केयर टेकर के तरीके से काम करेगा, ठीक है, और सारा जो भी पैसा आएगा इन दोनों में से जो कोर्ट निर्धारित करेगी उनको जाएगा। रिसीवर ऑर्डर नंबर 40, सेल विदाउट, बाय द सेल विदाउट अटैचमेंट और अरेस्ट एंड डिटेंशन दोनों चीजें हो सकती हैं। सेक्शन 51 को एक बार पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पेपर में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है 100%, ठीक है। वैसे तो सिंपल सही है, डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ अटैचमेंट एंड सेल, सेल विदाउट अटैचमेंट, अरेस्ट एंड डिटेंशन, रिसीवर, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ लेना, आंसर इसका हो जाएगा 40। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे द कैन द कोर्ट नॉट, कैन द कोर्ट नॉट ऑर्डर एग्जीक्यूशन द डिक्री एज पर 51 में, कौन से में ऑर्डर नहीं करेगा? डिलीवरी ऑफ द एनी प्रॉपर्टी, ये तो करता ही है। अटैचमेंट ऑफ दिस एंड द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, बिल्कुल करेगा। समन सर्व करता है क्या? समन की बात नहीं है, रिसीवर अपॉइंट तो करेगा ही, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो रिसीवर अपॉइंट होता है। नाउ अरेस्ट ऑफ द पर्सन इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री हैज बीन प्रोवाइडेड, कहां दे रखा है अरेस्ट? सेक्शन 55 में है, ठीक है। 56 में क्या लिखा हुआ है? वुमेन वाली बात है, सेक्शन 56 वुमेन, वुमेन को अरेस्ट नहीं होगा। अच्छा एक चीज और याद रखना, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, सेक्शन सेक्शन 58 में है, सेक्शन 58 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, डिटेंशन और रिलीज, इसको वैसे समझ लेते हैं, आने वाले एमसीक्यू में तो आ ही जाएगा। अगर प्रॉपर्टी जो कोई भी अरेस्ट और डिटेंशन कब नहीं होगा, अगर 5,000 रुपए का है मामला, ठीक है, तो सजा मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 मंथ के लिए हो सकती है डिटेंशन। और अगर वैल्यू जो है 2,000 से 5,000 के बीच में है तो कितने वीक्स? 6 वीक्स। अगर, हाँ जी कोई कुछ बोल रहा था? नो सर, 6 वीक्स बोल रहा था। 6 वीक्स, ओके। और अगर 2,000 से कम का है तो मुझे बताइए कितने दिन की डिटेंशन होगी? नो डिटेंशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नो डिटेंशन 2,000 से और 5,000 के बीच 6 हफ्ते, और 5,000 से लेकर 5,000 तक वाले मामले में या उससे ऊपर 3 मंथ, ठीक है, 5,000 से ऊपर 3 महीने, ये जरूर याद करना। 58 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बता भी दी है, बाकी एक बार रीड कर लेना। आगे चलते हैं। द कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री एज पर सेक्शन 51 ऑफ द सीपीसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, नहीं देगी। अटैचमेंट करती है डिक्री फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट बाय द सेंडिंग अ पर्सन हस्बैंड एंड वाइफ एज द केस मे बी टू सिविल, ये होता है क्या? एक बार बताओ, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट तो पढ़ा ही होगा। यस, पर्पस ही फिर खत्म हो जाता है ना अगर। आवाज कम आ रही है, हमने थोड़ा तेज बोलिए सर। डिग्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स है तो उसका पर्पस ही खत्म हो जाएगा अगर जेल में भेज देंगे तो पर्सन को। पर्पस खत्म हो जाएगा, और किसी को जेल में थोड़ी ना भेज सकते इस चीज के लिए। अरे उसकी मर्जी है, नहीं रह रहा तो क्या हुआ? कोर्ट क्या उसको जेल में डाल देगी? और जेल में डाल देगी, वैसे आपका लॉजिक भी बिल्कुल परफेक्ट है, जेल में डाल देगी तो कहाँ रेस्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है, रेस्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है? अरे एक बंदा जेल में और बीवी मौज में, तो ऐसे थोड़ी ना हो सकता।
तो इसमें क्या होगा, आप ये नहीं हो सकता, बाकी के ऑप्शन भी देखते हैं। ओके नाउ बाय अपॉइंटिंग अ रिसीवर, बाय अपॉइंटिंग अ रिसीवर होता ही है बाय डिलीवरिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली डिक्रेट, ठीक है, तो आंसर इज बी। नाउ व्हिच सेक्शन ऑफ द सीपीसी प्रोहिबिट्स अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ द वुमेन, ये आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 56, ठीक है, डिक्री फॉर मनी के लिए वुमेन को अरेस्ट डिटेंशन नहीं किया जाता है। डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी पास अगेंस्ट द वुमेन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी पास अगेंस्ट अ वुमेन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट हर एलआर इफ शी डाइज, द अटैचमेंट इन द सेल ऑफ हर प्रॉपर्टी बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर बाय हर अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन, ठीक है, ये तो सीधा लगा हुआ है सेक्शन 56, उसके खिलाफ ही नहीं हो रहा है तो उसके एलआर के खिलाफ क्या खाक होगा, ठीक है, अगर उसके खिलाफ हम उसको उस तक को तो अरेस्ट नहीं कर रहे हैं तो बाकी और को कैसे एलआर को अरेस्ट करेंगे, क्या नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं, अंडर द सीपीसी नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड और डिटेन इन द सिविल प्रिजन द मैटर रिगार्डिंग द डिक्री रिलेटेड टू मनी डिक्री होना चाहिए, कहा है वर्ड फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट नहीं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट नहीं, legitimacy of the, okay, the answer is money dispute. Section 56 of the CPC specifically prohibits the arrest or detention in the civil prison, the execution of decree of woman, ठीक है, minor नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन ये तीनों जो ground है, woman, sick person और minor, ये किसी चीज के ground है, हाँ जी, arrest, ये बेल के ग्राउंड है, बेल मिल जाती है इन लोगों को, ठीक है, बेल मिल जाएगी इवन इन नॉन बेलेबल ऑफेंस, इवन इन नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, ये तीनों ग्राउंड है या नहीं है, यस सर, प्रोविजो में, हां जी, तो ऑन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड अंडर सीपीसी अ वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट द जजमेंट डेटर मे बी कैंसिल बाय द कोर्ट, सीरियसली बीमार है जजमेंट डेटर, ओके देखते हैं आगे क्या लिखा है, अपेयरेंस इन द, ओह बेटे की शादी में अपियर होना है, गलत, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड द सीबीसी अ वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट द जजमेंट मे बी कैंसिल, बेटे की शादी में जाना है, नहीं बिल्कुल नहीं, वोट डालना है, नहीं, नन ऑफ द अबव, ये ग्राउंड हो सकता है, सीरियसली इनलेस है वो, बहुत ही बीमार है तो अरेस्ट करके कहाँ लेके जाएंगे, और ये आपने, मैं आपको बताता हूँ, अगर इसमें एक सेक्शन 59 को पढ़ना थोड़ा ध्यान से, सेक्शन 59 को पढ़ना जिसमें डिसीज वगैरह होता है, इंफेक्शियस डिसीज होता है तो भी उसको रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है, रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस, जिसको अरेस्ट कर लिया है, पता चला औरों को भी, अभी आपको पता ही होगा ना कोरोना काल में तो इतने बड़े खोखा था प्रयात्री को भी छोड़ना पड़ा, याद है, नहीं याद है जितने भी जेल है कोरोना काल में कैदियों को रिलीज हुआ नहीं हुआ, yes, sir. छोड़ दिया कोर्ट ने इतने सारों को, और बेल भी बड़ी आसानी से मिल रही थी। Now under section 58 of the CPC, a person detained shall be released from the detention on the amount mentioned in the warrant of his arrest in detention being paid to. वो पैसा अगर suppose जिसको मने decree के चलते अगर arrest कर लिया गया है, detain कर लिया गया है, लेकिन वो पैसा pay कर देता है, किसको पैसा के pay करेगा? Officer appointed by the court होगा या court को करेगा या officer in charge of civil prison अगर detention में है तो उसी को दे देगा ना officer. Where the decree is for the payment of the sum of money exceeding 5,000 rupees से ज्यादा है, the period of civil prison shall not be exceeded, किससे ज्यादा नहीं होगा, 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, 3 महीने से ज्यादा नहीं। अच्छा एक बात और बताइए, सेक्शन 74 याद है आपको, देखना मत, बेरेट मत पलटना, yes, क्या है? उसमें कितनी पनिशमेंट दे रखी है सिविल प्रिजन, ये 1 महीने की, ठीक है, 1 महीने की, अगर वो रेजिस्ट करता है एग्जीक्यूशन को, क्या रेजिस्ट एग्जीक्यूशन, एम आई राइट, हां जी आमनी, प्रश्न अब पलट लो बैरेट, मैं 30 डेज बोल रहा
मैंने 30 days बोला था पर confidence नहीं यार। 30 days बोला था आपने? सुना नहीं। Yes, sir. 30 days ही तो है। हाँ मतलब confusion हो रहा था। कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। बहुत पास पास आ गए, देखो कई बार लिख सकते हैं वो 1 महीना और 30 दिन दोनों लिख सकते हैं वो, तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। 30 days है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, रोकता है, होने नहीं देता। 30 दिन तक की जेल होगी। कैसी जेल होती है? सीपीसी में जहां पे भी जेल हो रही है कैसी है वो? सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, रिग्रेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, क्या है? सिंपल सिंपल नहीं, सिविल सिविल, सिंपल और सिविल में फर्क है, ठीक है। होती तो वही एक ही है लेकिन फिर भी सिविल वर्ड यूज होगा। ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 58 ऑफ द सीपीसी, नो डिटेंशन इन द सिविल इम्प्रिजनमेंट कैन बी ऑर्डर्ड इफ द डिक्रीज पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ, ठीक है। ये वही आ गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2000 से ज्यादा नहीं है तो कोई डिटेंशन नहीं होगी। Now, where the judgment debtor has been committed, where the judgment debtor has been committed to the civil prison, he may be released there from, वहाँ से छोड़ा जा सकता है जिसको जेल में डाल दिया गया है। कब? जब वो अपना पेमेंट पे कर देगा। By the government on the ground of the existence of the annex, okay, ये वो क्वेश्चन है 58 पे है ये, ठीक है। Section 58, release है ना? Sorry 59, 58 तो बहुत ही important है, 59 पर है। छोड़ दिया जाता है, रिलीज होगा, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज है, उसको ऐसी बीमारी फैला देगा। बाय कमिटिंग द कोर्ट और एनी कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ सीरियस इलनेस, काफी बीमार है। बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कंटेजियस डिसीज। कंटेजियस डिसीज कौन सी होती है? क्या कोरोना कंटेजियस डिसीज है? बिल्कुल है, तो छोड़ा ना सबों को, छोड़ दिया कोरोना, ठीक है। तो आंसर हो गया डी, छूने से फैलती है। अ जजमेंट डेटर इज अरेस्टेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ द मनी। अगर जजमेंट डेटर को अरेस्ट कर लिया गया है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, and judgment debtor pays the amount of the decree and the cost of the arrest to the officer arresting, wo officer kya karega usko bataiye, option baad mein dekhenge, pehle aap bataiye. Submit to the court. Haan ji, submit the amount to the court and release the person. Usko release karega us insaan ko, court mein bhejega sir? Release karega, रिलीज कर देगा इमीडिएटली, ठीक है, रिलीज कर देगा। आप पढ़ते हैं, शैल सेंड द जजमेंट डेटर टू सिविल प्रिजन, नहीं। शैल टेक द जजमेंट डेटर टू द कोर्ट, नहीं। कोर्ट थोड़ी ना ले जाएगा, पैसा दे रहा, पैसा मिल गया। शैल एडवांस रिलीज हिम, बिल्कुल छोड़ देगा। शैल रिलीज हिम आफ्टर टेकिंग अ सिक्योरिटी फ्रॉम, नहीं। जब पैसा मिल गया काई की सिक्योरिटी, चलिए सी आंसर हो गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो रेटेबली डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहाँ की गई है सीपीसी में? रेटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पैसा जो आ जाएगा एग्जीक्यूशन में। हाँ जी, 73। अच्छा एक बात बताओ, अगर 100 रुपए फाइन है, 100 रुपए फाइन है, मैं क्रिमिनल लॉ की बात कर रहा हूँ, अगर वो 25 रुपए दे देता है तो क्या उसकी इम्प्रिजनमेंट वो भी प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस होगी या नहीं होगी? यस सर। आईपीसी का 60 समथिंग है। हां जी, अरे 60 तो 70 नहीं है, निकालो बैरेट लेके आओ, कुछ भी पूछ सकता हूं मैं बीच बीच में। 67 होना चाहिए, 67 बड़ा सा सेक्शन है इधर वाले पेज पे तुम्हारे राइट हैंड साइड में, 68 होगा, 67 तो हो नहीं सकता, 68 है। हाँ जी देखिए जरा इधर वाले राइट हैंड साइड पेज पे देखिए अपने बेरेट के, है बेरेट? 69। हाँ जी 69 है,
both 68 and 69. फर्क तो हाँ दोनों है, बड़ा वाला कौन सा है? 68 है. 69 I mean proportion. 69 होगा सर, वो left right hand side वाले पेज. यूनिवर्सल का बेरेट होना चाहिए, मैं तो उससे ही पढ़ाता हूँ. चलो देख लेना, चलते हैं आगे. लेकिन ठीक है, इतना आसपास तो पहुंच ही जाओगे तुम लोग. अंडर सेक्शन 60 ऑफ द सीपीसी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट लायबल टू अटैचमेंट एंड शेयर इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री. सेक्शन 60 जो है विच, अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो सेक्शन 60 तो पूरा पढ़ के जाना एक बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नॉट लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, क्या चीज नहीं होगी, क्या नहीं होगी? नॉट लायबल टू अटैचमेंट, अगर उसके पास नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, हुंडी है, सब अटैच हो जाएगा, हाउस अटैच हो जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड अटैच हो जाएंगे, एनी पर्सनल एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विसेज का अटैच नहीं होगा. अच्छा, उसके टूल्स अटैच होंगे क्या? No, sir. उसके अकाउंट्स बुक अटैच होंगे क्या? वेयरिंग अपैरल सब अटैच होंगे? अरे अकाउंट्स बुक भी नहीं होगी अटैच, ठीक है. वेयरिंग अपैरल्स नहीं होंगे. अच्छा, लड़की का मंगलसूत्र अटैच होगा क्या? No, sir. Okay. लेकिन उसका जो ज्वेलरी का सेट है डायमंड का, वो अटैच होगा क्या? Yes, sir. फरक है ना दोनों में, religious uses में आ जाए, religious corner. जी, religious वाली बात है, वो चीज नहीं छेड़ेंगे, बाकी सब चीज ले लेंगे. ओके, आगे चलते हैं. इस जो आप पूछ रहे थे ना सर, वो 69 ही है, proportionately जो. ठीक है, डॉक्टर निखिल एम्स, चलो देखते हैं कौन है. चलिए आगे चलते हैं. 69 है, एक बार हेडिंग पढ़ दो 68-69 की. 68 के इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन, 69 इज टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन. तो फिर वो बड़ा वाला फिर 69 ही होगा मेरे ख्याल से, बड़ा है ना. उसका जो इलस्ट्रेशन है वो बहुत काफी बड़ा सा है. ठीक है ठीक है, तो फिर वो 69 ही है. देखो बेसिकली क्या है, कई बार हमें सेक्शन सारे तो याद होंगे नहीं, कॉन्सेप्ट तो दिमाग में है ना, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, लेकिन सेक्शन को याद भी करना पड़ता है, क्योंकि माइन्यूटेस्ट जो डिफरेंस है ना, वो सेक्शन भी ला देता है. अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सबसे बेस्ट, उससे कोई बढ़िया बात नहीं है. लेकिन कई बार मेमरी बेस्ड भी पेपर आते हैं, मेमरी बेस्ड, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है, वहां वो रट्टाफिकेशन वाला काम चलता है, जिसने सेक्शन को रट रखा है ना, वो फायदे में चला जाता है. तो हम दोनों को, हम सबको है ना, वही चीजें करनी होती है. एक तो रट्टाफिकेशन भी लगाना जरूरी है और कॉन्सेप्ट लॉजिकल भी पता होना चाहिए. तो दोनों चीजें चलती हैं अगर आपको प्रीलिम्स में अच्छे नंबर से पास होना है. प्रीलिम्स मार्जिन पे भी पास हो जाओ तो भी चलता है, लेकिन मार्जिन पे रहने से हमारी तैयारी मेंस की इफेक्ट करती है. ठीक है, मेंस की फिर तैयारी नहीं हो पाती है. क्यों? क्योंकि आप डाउट में रहते हैं. लेकिन अगर जो अच्छे प्रीलिम्स में नंबर अच्छे आ जाएंगे तो आप उसी दिन से तैयारी कर लेते हैं. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं. सीपीसी में विच वन ऑफ द फॉल प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अटैच्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अटैच्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, क्या नहीं अटैच होगी? जमीन, अकाउंट्स ऑफ बुक अभी बताया, ये नहीं होगी. बैंक नोट्स बिल्कुल, लैंड चेक सब हो जाएगा, ए नहीं होगा. ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लायबल टू अटैच एंड द सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री. Which one of the following properties liable to attach and the sale in execution of a decree? Right to future maintenance? Yes, sir. बिल्कुल हो जाएगा. Which one of the following properties liable to be attachment? The promissory note नहीं हो. Promissory note हो जाएगा. Promissory note हो सकता है, right to future maintenance. Which one of the following properties liable to attach and sale in execution of a decree? Promissory notes जो है attach होगा. Yes, sir. ये attach होगा ना, ये book of accounts नहीं होगी, personal service नहीं होगी. Future maintenance attach कैसे हो जाएगा? अच्छा, एक बात होता, पेंशन अटैच हो जाएगी क्या? पेंशन नहीं होती, ग्रेच्युटी हो जाएगी, नहीं होगी. ठीक है, और फ्यूचर में मेंटेनेंस मिलेगा, वो अटैच हो जाएगा? नहीं मिलेगा, वो नहीं अटैच होगा. आगे चलते हैं. सीपीसी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लायबल टू अटैच एंड द सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री.
नेसेसरी वेयरिंग अपेरल्स होंगे क्या? नहीं होंगे, प्रॉमिसरी नोट हो जाएगा, प्रॉमिसरी नोट हो जाता है, ठीक है। टूल्स ऑफ आर्टिशन, जिससे वो कमा रहा है, एग्रीकल्चर है, क्या उसका हल हो जाएगा? एग्रीकल्चरिस्ट है तो नहीं होगा। क्या किसान का ट्रैक्टर हो जाएगा? नो सर, नहीं होगा। लिबरल इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, किसान खेती किससे करेगा? ट्रैक्टर से। लेकिन अगर उसने ट्रैक्टर की ईएमआई नहीं भरी है तो अटैच होगा क्या? यस सर, हाँ जी बिल्कुल होगा। अरे ईएमआई कॉन्सेप्ट अलग है, और अभी हम जो डिक्री में अटैच कर रहे हैं वो अलग चीज है। ईएमआई नहीं भरेगा तो आएंगे ना वो उठाने वाले, रिकवरी एजेंट, बुक ऑफ अकाउंट्स? नो सर, बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं होगा। ओके, तो आंसर इज बी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जस्ट कनेक्ट द बैटरी, आई मीन द चार्जर। हाँ जी चलिए वापस आ जाइए जल्दी से, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अटैच इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, कौन सी चीज अटैच नहीं होगी? ये क्वेश्चन यहाँ से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पेंशन अटैच होगी क्या? नहीं होगी। प्रॉमिसरी नोट होगा, हाउस और बिल्डिंग होगा, हुंडिस भी हो जाएगा। अच्छा एक चीज क्लियर कर लेना, हुंडिस मेरे शायद मैंने ऊपर गलती से बोल दिया होगा, ठीक है, हुंडिस भी अटैच हो जाता है, क्योंकि हुंडिस आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा ना, प्रॉमिसरी नोट्स, चेक एंड हुंडिस, ये सारी चीजें अटैच हो जाती है, चेक एंड हुंडिस, तो याद रखना हुंडिस भी नहीं हो, हुंडिस भी अटैच हो जाएगा। क्लियर है ना? बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स आर लायबल टू बी अटैच्ड एंड सेल इन एग्जीक्यूशन डिक्री, होगा क्या? नहीं होगा। नॉट लायबल होना चाहिए, ये होना चाहिए आंसर। बाकी आगे देखते हैं। Or no evidence in the eye of law can be the sole evidence to decide a suit. Answer is B. Already हमने पढ़ लिया। 47 करते हैं। The which of the following properties are liable to attach and the sale in execution of decree under section 60? क्या-क्या चीजें इसमें से attach हो सकती हैं? Bank notes होगा, check होगा, bill of exchange बिल्कुल होगा, cooking vessel, beds, wearing apparel, ये नहीं होता है, ठीक है, ये attach नहीं होगा। बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं होगा, स्टाइपेंड एंड ग्रेच्युटी नहीं होगा, तो आंसर इज ए, ये अटैच होंगे, ठीक है। वेदर द नेसेसरी वेयरिंग एप्पल्स एप्रल्स आर लायबल फॉर द अटैचमेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, आंसर इज नो, नहीं होगा। कपड़े थोड़ी ना उतरवा लेंगे इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री फॉर द मेंटेनेंस सैलरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझना जरूरी है। इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर द मेंटेनेंस सैलरी ऑफ अ पर्सन, किसी इंसान की सैलरी अटैच हो सकती है टू द एक्सटेंट ऑफ, कितनी हो सकती है? मैक्सिमम है 2/3, ठीक है, 2/3 किसके सिचुएशन में? मेंटेनेंस वाले सिचुएशन में। ओके गाइस, और वो फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है, फॉर्मूला जो होता है वो मेंटेनेंस वाले में नहीं होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर आर लायबल टू बी अटैच्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेटर आर लायबल टू बी अटैच्ड, पर्सनल ऑर्नामेंट ऑफ रिलीजियस यूज ऑफ वुमेन, ये अटैच नहीं होता है। टूल्स ऑफ आर्टिशन, कैटल इन द सीड्स ग्रेन नहीं होंगे, भूखे मर जाएंगे जानवर, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं होगा, लेजर जो उसकी बनाई हुई है, वैसे देखो वो अटैच तो नहीं होती, लेकिन जो लेजर्स है ना वो उसमें अगर कोई क्या नाम है इंस्पेक्शन हुआ भाई तब उसको फॉरफिट कर सकते हैं, ठीक है, उसने कुछ घपला कर रखा है, फ्रॉड किया है, तो ये बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स एविडेंस में यूज होगा नहीं होगा? हाँ जी यस सर, ये तो यूज होता ही है कि अपने एंट्री दिखाइए, देखते हैं उसको, इंस्पेक्शन करते हैं, मेरा लैपटॉप भी लेके चले जाएंगे, अगर मैंने इसमें से साइबर क्राइम कर दिया तो उठा के ले जाएंगे, ये थोड़ी ना है, वो ये थोड़ी ना देखेंगे इससे मैं कमाता हूँ, ठीक है, बहुत सारी चीजें, क्रिमिनल एक्टिविटी अलग है। नाउ शेयर इन द कॉर्पोरेशन एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये अटैच हो जाएगा, ठीक है।
नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, देखो एक चीज और थी, एक है क्रिमिनल एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटी में कुछ भी उठा लो ठीक है। अगर मानो किसी ने, किसान ने ट्रैक्टर से किसी को अगर उसको चढ़ा दिया है तो क्या वो उसको हम अटैच नहीं करेंगे उस प्रॉपर्टी को, कर लेते हैं फिर तो। Now which of the following property is not liable to be attached and sold in the execution of the decree? अच्छा जो मैंने अभी एक बात बोल दी है आपसे, जो ट्रैक्टर की बात करी है या कोई इंसान गाड़ी से अपनी सामने वाले की हत्या कर देता है तो उस प्रॉपर्टी को क्या कर लेते हैं हम, फॉरफिट कर लेंगे। तो उसका रिलीज वगैरह कहाँ है कि उस प्रॉपर्टी को रिलीज करना अगर वो क्राइम में नहीं थी इन्वॉल्व, वो प्रॉपर्टी उसको छोड़ा जाना कहीं है? सर सीआरपीसी में। ये तो आप बताओगे, तो क्वेश्चन पूछा है मैंने, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। सर नामा एस से वर्ड बताया था आपने। सर 450 सही है, एस से वर्ड है, बताइए जरा दिमाग लगाइए। नामा है वो पूरा वर्ड मुझे याद नहीं रहा सर। अरे सुपरदारी होती है, सुपरदारी है सर, सुपरदारी है। कहाँ सुपरदारी? तो ये 451 है क्या सीआरपीसी का? हाँ जी वही प्रोविजन है ये, ठीक है 451 है। यस सर आफ्टर कंक्लूजन ऑफ हियर योर ट्रायल। ये कहाँ तक है? 458 तक है, कहाँ तक है ये? 460 अरे तो याद रखना यामनी, सुपरदारी। Which one of the following property is not liable to be attached and sold in the execution of a decree? कौन सी नहीं होगी? अरे electricity को attach कर लेगा क्या, पकड़ के लेके जाएगा क्या electricity को? ठीक है आगे चलते हैं। Now properties that can be attached are, कौन कौन सी property को attach किया जा सकता है? A, एक मिनट कहाँ गया cursor? Bill of, okay क्या क्या हो सकता है? मनी, बैंक नोट, चेक और एक्सचेंज ऑन दिस प्रॉमिसरी नोट, स्टाइपेंड्स, ये नहीं होगा, बुक ऑफ अकाउंट्स नहीं होगा। ए, लॉजिकली आंसर लगाना, दिमाग लगाना डेफिनेटली, अगर नहीं भी आता है लॉजिक लगाने लग जाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर लायबल टू अटैच और द सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अंडर सीपीसी? मेयर राइट टू सू फॉर द डैमेजेस, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है कह रहा है लायबल टू अटैच तो प्रॉमिसरी नोट होगा, बाकी ये नहीं होगा। पर्सनल राइट ऑफ पर्सनल सर्विस ये नहीं होगा, मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस नहीं होगा, प्रॉमिसरी नोट होगा। हाउ मच ऑफ द सैलरी पर्सन कैन बी अटैच इन द एग्जीक्यूशन ऑफ मेंटेनेंस, लिखा है वर्ड, क्या लिखा है? मेंटेनेंस, कितनी होती है? 2/3 देखते हैं, फर्स्ट 1000 रुपीज एंड 1/3, ये तो होता ही नहीं है, ये जरूर है लेकिन ये किसी और सिचुएशन में मेंटेनेंस वर्ड यूज नहीं हुआ है वहां, तो मेंटेनेंस केस में 2/3 सैलरी। अदर सैलरी को अटैच करने को कुछ बोलते नहीं बोलते हैं, कोई ऑर्डर है तो 21 में होगा ना, उस ऑर्डर को बोलते क्या है? गार्निश ऑर्डर बोलते नहीं बोलते हैं? यस हां जी आगे चलते हैं। Now which one of the following under the property is not liable to attach in the sale in execution of decree? Which one of the following kind of property is not liable to attach? कौन सी property attach नहीं होगी? या sale in execution of the decree? Money होगा, share होगा, land होगा, हाँ ये नहीं होगा। Ornaments which could be cannot be parted by the woman, मंगलसूत्र छीना जा सकता है? नहीं। Now the private alienation of the property after the attachment of the same. Private alienation of the property after the attachment of the same is void होगा। Private alienation of the property, बाद में वो attachment हो गई है property, उसके बाद वो alienate कर रहा है तो सामने वाले के पास जाएगा क्या? कुछ भी नहीं जाएगा। Void against all the claims enforceable under the attachment, void हो जाएगा, ठीक है। Now where the more property sold in the execution of the decree and the such sale has become absolute, the property shall be deemed to have vested in the purchaser from the date, kis din se mana jayega uske paas aa gayi hogi, from the date of when the property sold, sale become absolute nahi, jis din bechi us din se maan liya jayega, when the purchaser acquire possession nahi, depend upon the court nahi, jis din property bech di gayi usi din se purchaser ki property,
Now, which one of the following person may not file an application for execution under CPC में कौन execution की application नहीं लगा सकता? Bakery holder तो लगाएगा ही, LR बिल्कुल लगाएगा, person claiming under the decree holder जो लोग claim कर रहे हैं वो लगाएगा, ये कहाँ से आ गया? इसके तो against लगती है, ठीक है? A money decree may be executed by attachment on the sale. Money decree जो हो सकती है can may be executed by attachment on the sale of any property of the judgment debtor. Attach भी हो जाएगा, ठीक है, in the sale of the property of the judgment debtor, ठीक है. Arrest and detention, prison for indefinite. अरे indefinite period है क्या? ऐसा थोड़ी ना है कि पूरी जिंदगी भर उसको जेल में रखेंगे, ये गलत है. ओके, तो आंसर क्या है? ए ही है फिर, ठीक है, यहाँ पर है इसका आंसर, इज ए. जिंदगी भर थोड़ी ना इंडेफिनेट पीरियड के लिए जेल में रखते हैं, प्रिजन में. ओके, नाउ वेयर द डिक्री इज इन फॉर द पार्टीशन ऑफ अनडिवाइडेड एस्टेट एसेस टू द पेमेंट ऑफ द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट. द पार्टीशन ऑफ द स्टेट इन द अकॉर्डेंस विद द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शैल बी मेड बाय, कौन करता है? Where the decree is partition of an undivided estate, access to the payment of the revenue, okay, to the government. The partition of the estate in accordance with the law for the timing in force shall be made by the collector. Karega, ठीक है. अब आगे चलते हैं incidental proceedings. Okay, छोटा सा ही है तो. अभी हमने कर लिया है section 74 तक. 74 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जल्दी से लिख लीजिए सेक्शन, अगर आपको लिखने हैं तो. हाँ जी, लिख रहे हैं आप इन सेक्शन को? गौर बिल्कुल ध्यान से याद रख लेना. 38 पूरा पढ़ना है, 39 पूरा पढ़ना है, एक बार 44 ये देख लेना, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, ज्यादा इतना कुछ नहीं है इसमें. 45 देख लेना, 46 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 47 बहुत इंपॉर्टेंट है, 51 55 अरेस्ट एंड डिटेंशन कहाँ है, 56 58 59 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट, 73 very very important, proceed of execution sale to ratably distributed among the decree holders. अगर कई सारे decree, एक decree हो और कई सारे decree holder है, एक ही judgment debtor है. अच्छा एक बात बताओ, अगर judgment debtor से हमने यहाँ पे मान के चलो कई सारे decree holders हैं, ठीक है, इसने 100 रुपए की decree आई है इसके अगेंस्ट, इससे 100 रुपए तक की recovery हो पाई, लेकिन इन सबको 35 रुपए देने थे, इनके क्लेम 35 इतने इतने की डिग्री आ चुकी है, तो ये 100 रुपए कैसे डिवाइड होंगे? क्या पहले वाले जिसके पहले डिग्री आई उसको चले जाएंगे, तीनों को रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट होंगे? हाँ जी सर, रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है. ऐसा नहीं है कि भाई पहले 100 में से 25 इसके दे दो, 35 इसके दे दो, बचे कितने, ठीक है, सपोज करो 50 रुपए आए हैं, ठीक है, तो 25 इसके दे दिए, ऐसा नहीं होगा फिर 25 इसके दे दिए, अरे नीचे वाले तक तो कुछ पहुंचे गए नहीं, ऐसा नहीं होगा. तो 73 इज वेरी इंपॉर्टेंट. 73 में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका? सी बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले जो भी खर्चे हुए सेल करने के वो जाएंगे, ठीक है. सेकेंडली क्या जाएगा? अमाउंट ड्यू अंदर जो डिक्री के अंदर जो अमाउंट ड्यू है वो जाएगा. फिर क्या जाएगा? इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट. उसके बाद क्या जाएगा? फोर्थली अब जाएगा रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, अब रेटेबली डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग द डिग्री होल्डर. ओके, तो
तो ये ध्यान रखना, ये याद रखना, 73 का सी बहुत इंपॉर्टेंट एंड 74 ऑल्सो. 74 में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल प्रिजनमेंट की बात की है 30 days. ओके गाइस, एग्जीक्यूशन इज ओवर. समझ में आ गया एग्जीक्यूशन? हाँ जी. Yes, sir. लेकिन एक बार बैरेटवे रेटिंग जरूर लगा देना. ये जो सेक्शन लिखे ना इनको मत छोड़ना, बाकी चाहे मर्जी है आपकी, पूरा पढ़ लो तो सबसे बेस्ट होता है. लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सेक्शंस को याद रखना, विच सेक्शंस याद करना. 59 में क्या दे रखा है यामिनी? सर किस में? 59. सर वो इलनेस डिजीज. हाँ जी. 58 क्विकली बताइए, जल्दी सब बताइए, तीनों चारों जो भी, whosoever is there. Detention and release. कौन सा सेक्शन है? 55 वुमेन का. 36 कौन सी कोर्ट एग्जीक्यूट करेगी? सेम कोर्ट या जो किसी को एग्जीक्यूशन के लिए भेज सकती है. ओके. एंड चलिए बताइए 56 क्या है? 56 तो वुमेन अरेस्ट. हाँ जी, वुमेन का हो गया. ओके. सबसिस्टेंस अलाउंस का दे रखा है? सबसिस्टेंस अलाउंस 57. ठीक है. ओके चलिए, ये याद रखना है. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आना है 100%. एक या दो क्वेश्चन तो एग्जीक्यूशन पे तो आते ही आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा एरिया एग्जीक्यूशन. ओके, लेट्स प्रोसीड विद द इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स. इंसिडेंटल प्रोसीडिंग क्या है? मैंने आपको बताया बीच में होने वाली चीजें. इंसिडेंटल प्रोसीडिंग सेक्शन 75 डील करता है पावर टू इशू समन, पावर टू इशू कमीशन. अरे समन की बात नहीं है, कमीशन की बात है. ठीक है. बी, सिविल कोर्ट कैन नॉट इशू कमीशन इन द फॉलोइंग केसेस. कौन कौन से मामलों में सिविल कोर्ट कैन नॉट इशू कमीशन इशू नहीं करेगी? कौन से मामलों में नहीं करेगी? एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन बिल्कुल करती है, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट करेगी, पार्टीशन में भी करेगी, टू एग्जीक्यूट डिक्री के लिए नहीं करेगी. ठीक है, आंसर इज डी. कोर्ट मे नॉट इशू अ कमीशन टू एग्जामिन एनी पर्सन. कोर्ट मे नॉट इशू अ कमीशन टू एग्जामिन एनी पर्सन, टू एग्जामिन अकाउंट, टू परफॉर्म मिनिस्ट्रियल एक्ट, टू अरेस्ट अ पर्सन. इसके लिए कमीशन नहीं होगा. सीपीसी के अंदर द कोर्ट मे नॉट इशू अ कमीशन फॉर एलुसिनेटिंग एनी मैटर इन द डिस्प्यूट. मे नॉट नहीं करेगी. फॉर असर्टेनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिल्कुल करेगी. फॉर असेसिंग द अमाउंट ऑफ एनी मींस प्रॉफिट और द डैमेजेस बिल्कुल करेगी. फॉर एलुसिनेटिंग करेगी बिल्कुल करेगी. तो आंसर किसके लिए नहीं करेगी ना? फ्रेमिंग ऑफ इशू काम क्या कमीशन का है? फ्रेमिंग ऑफ इशू कौन करता है? कोर्ट करता है. तो यहाँ पे नहीं करेगी. फ्रेमिंग ऑफ इशू कौन करता है? ऑर्डर नंबर क्या है? फ्रेमिंग ऑफ इशू 14. सेटलमेंट. यस. एविडेंस किसकी चीज के दिए जा सकते हैं कोर्ट में? सर आई आप एविडेंस पूछ रहे हैं? मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ रैंडमली. फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट कहाँ लिखा है? सेक्शन 5 में. ठीक है. Evidence can be given of the relevant fact and fact and issue. ये fact issue हम civil में जो है framing of issues बनाते हैं और CRPC में हम charges बनाएंगे, court बनाएगा. ठीक है, हम नहीं court. Framing of issue जब बनते हैं ना तो दोनों पक्षों से ना court क्या कहती है, अपने अपने issues बना के दे दीजिए, तो उनको देख के फिर court का काम आसान हो जाता है, बना देती है फिर court easily. ठीक है. Now for which of the following purpose a commission is not to issue? कौन से मामले के लिए इशू नहीं होगी कमीशन? इन्वेस्टिगेशन के लिए तो होती है, LC अपॉइंट होते हैं. ठीक है, लोकल कमिश्नर अपॉइंट होते हैं, वकीलों को अपॉइंट करते हैं ज्यादातर, पता ही होगा. Yes, sir. To examine a person. बिल्कुल. हाँ जी, क्या कुछ सीमा कुछ बोल रहे थे? No, sir. C बता रहे थे इसका आंसर. For which of the following purpose a commission is not issue? LC. इसके लिए तो होती है, एग्जामिन के लिए भी होती है, विटनेस जो नागा साधुज हैं जो नहीं आ पाएंगे कोर्ट में, अगर आएंगे तो कोर्ट डिस्टर्ब हो जाएगी. ठीक है, तो उनके लिए वहीं पे जाके होती है. ठीक है, जो लोग
जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेकेड रहते हैं कोर्ट में आएंगे डिस्टर्ब करेंगे पीस, तो भैया वही कमीशन करवा देती है कोर्ट इशू के बिन की विटनेस लेके आइए। टू ऑर्डर अ पार्टी टू अपीयर इन द कोर्ट एंड आंसर द क्लेम्स, टू ऑर्डर अ पार्टी टू अपीयर इन द कोर्ट एंड आंसर द क्लेम्स, टू मेक पार्टीशन, पार्टीशन मीट्स एंड बाउंड्स के लिए भी कमीशन इशू होती है, इसके लिए नहीं होगी। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है ये। 75 ऑफ द सीपीसी, द कोर्ट कैन नॉट इशू कमीशन टू एग्जामिन एनी पर्सन, कैन नॉट, बिल्कुल करती है, पार्टीशन के लिए भी करती है, सेल ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज नॉट इन द कस्टडी ऑफ द कोर्ट, कंडक्ट द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी विच इज नॉट इन द कस्टडी ऑफ द, ये सी तो है ही, डायरेक्ट की लैंग्वेज है, सी नहीं है, ठीक है, ये डी बी लिखा हुआ है, साइंटिफिक और एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेशन। नाउ अंडर सीपीसी द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कौन सा सेक्शन है, 77, am I right? Yes, sir. चलिए 77, letter of request to make examine a witness, ठीक है, to make a local investigation, to make a partition, to conduct a sale of the property, to make letter of request होता क्या? Examine a witness के लिए होता है, क्या होता है ये letter of request? सर जो outside भेजना होता है तो instead of commission ये letter of request भेजा जाता है। चलिए एक बार बता दे सीपीआर सीआरपीसी में कहा है सर, 280, अरे अच्छा एग्जामिनेशन 166 है ना, ए और बी, यस सर, है या नहीं है, समन्स इन लिए ऑफ समन्स, सीआरपीसी में प्रोविजन है 166 A and B। तो हमारे ही हो गए 78 तक हो गए हैं, जितना मैं सोच रहा था उससे स्पीड हल्की है, लेकिन इससे तेज हो भी नहीं सकती। और देखते हैं, चलो देखते हैं आगे के कुछ और। तो स्वीट, चलिए करते हैं इनको, कुछ और करते हैं, करें नहीं करें छोड़ दूं, कल के लिए, कल के लिए, मंडे के लिए। एक सेकंड, विजिबल है स्क्रीन, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं, नहीं तो खत्म नहीं होगी कहानी। सूट इन पर्टिकुलर केसेस, अब ये 79 to 88 है, ठीक है, 79 to 88 करते हैं इनको। अगर आपने देखा हमने इंसिडेंटल प्रोसीडिंग हो गए 75, 76, 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, बस बेरेट से उसका याद रख लेना। नाउ सूट इन अ पर्टिकुलर केसेस, इसमें 79 इंपॉर्टेंट है, 80 इंपॉर्टेंट है और बाकी थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछे जा सकते हैं। 79, 80 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, 82 की एक बात इंपॉर्टेंट है, 3 महीने वाली बात जो लिखी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सूट अगेंस्ट द फॉरेन रूलर एम्बेसडर, 88 फिर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैंने कौन कौन से बताए जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। 79 बहुत इंपॉर्टेंट है, 80 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन वी हैव 82 में सिर्फ एक छोटी सी बात इंपॉर्टेंट है, 3 महीने वाली जो लिखी है। Then 86 important है, then 88, 5 section बताया मैंने आपको, कितनों में से 75 to 88 यानी 13-14 में से, और कितने ही 9 है ना, तो आधे हो गए, 50% हो गए। Okay now the stipulation that in the suit by the central government the authority to be named, अगर central government मुकदमा करती है या उसपे मुकदमा होता है, the authority to be named as a plaintiff shall be Union of India कहलाएगी, ठीक है,
केंद्र सरकार पे मामला डलेगा तो यूनियन ऑफ इंडिया कहलाती है, स्टेट पे होती है तो स्टेट का नाम। ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 79। लेट्स मूव फास्ट नाउ। 79 ऑफ द सीपीएसी असूर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट बी फाइल इन द नेम ऑफ, किसके नाम पर होती है? यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पर होगी। प्रेसिडेंट नहीं होगा, अटॉर्नी जनरल नहीं होगा, पीएम साहब नहीं होंगे। ओके, फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अ पब्लिक ऑफिसर इन द ऑफिशियल कैपेसिटी द नोटिस पीरियड अंडर सेक्शन 80, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने का होता है? 2 months। ठीक है, ताकि अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्या पता मैटर सॉल्व हो जाए। अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीपीसी अ नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन एटलीस्ट 2 months बिफोर फाइलिंग ऑफ द सूट अगेंस्ट द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, कहाँ है? सेक्शन 80 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नो सूट नॉट इन्वॉल्विंग अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ मे बी इंस्टीट्यूटेड। अगर कोई मामला अर्जेंट है, इमीडिएट है, तो बिगर नोटिस से काम चल जाएगा, नहीं तो नोटिस देना ही पड़ेगा। एम आई राइट? नो सूट नॉट इन्वॉल्विंग अर्जेंट, अगर अर्जेंट नहीं है तो नोटिस देना ही पड़ेगा। मे बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग अ 2 months नोटिस, 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। अगर अर्जेंट है तो इमीडिएटली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। A decree against the Union of India may not be executed unless it is remain unsatisfied for the period of 3 months. तो आंसर दोनों बातें ठीक हैं। Is that clear? 3 महीने वाली बात कहाँ लिखी हुई है? Section 82. पढ़ लेना एक बार। Now in suit which relates to railway, अगर railway पे मुकदमा करना है तो वो general manager of railway के नाम से जाता है, याद रखना। Central government पे करेंगे तो किसका नाम चलेगा? कहाँ लिखा है? ये सेक्शन 80 में लिखा है, जनरल मैनेजर रेलवे। और अगर आप केंद्र सरकार पे डालेंगे तो सेक्रेटरी, और अगर आपने डाला मामला जम्मू एंड कश्मीर में तो चीफ सेक्रेटरी। ओके, चलिए आगे। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 ऑफ द सीपीसी कोड आर कैसा है? मैंडेटरी है, अपनी मर्जी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट इन रिलेशन टू सेक्शन 80 CPC, a suit without service of notice can be instituted generally with the leave of the court. A suit generally की बात कर रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। A suit without the service of notice can be instituted in the urgent or immediate relief with the leave of the court. यही मैंने अभी आपको बताया, court से पहले permission लीजिए, urgent मामला है, notice की जरूरत नहीं है। Okay, आगे चलते हैं। Notice under section 80 of the CPC is mandatory when सूट इज अगेंस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नहीं, गवर्नमेंट होगी तभी चलेगा, ग्राम पंचायत नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दो इट इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन क्या बेरेट में लिखा है? नहीं। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 आर बाइंडिंग ऑन, किस पे बाइंडिंग होगा? सिविल जज, ये भी बाइंडिंग है, यहाँ भी 2 महीने का नोटिस, द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट, सब मानेंगे इस बात को। ओके, व्हाट डज सेक्शन 80 ऑफ द सीपीसी डील्स विद? फॉरेन जजमेंट से करता है क्या? इंजंक्शन से करता है? नहीं, नोटिस की बात करता है। ठीक है, सी, नोटिस इन द राइटिंग अंडर सेक्शन 80 ऑफ द सीपीसी हैज टू बी गिवन टू, किसको देना पड़ेगा नोटिस? सेक्रेटरी को, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, बिल्कुल ठीक बात है, अभी पढ़ा है, केंद्र सरकार के मामले में सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर जम्मू कश्मीर की बात आएगी तो किसको देना पड़ेगा? चीफ सेक्रेटरी। और प्रेजेंट ऑफ इंडियन केस ऑफ द सूट अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये नहीं होता। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ रेलवे, सेक्रेटरी ऑफ रेलवे, अरे सेक्रेटरी थोड़ी ना है, जनरल मैनेजर है। इज दैट क्लियर? आंसर इज ए। ओके, आगे चलते हैं। नाउ वेयर अ डिग्री इज पास अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और स्टेट फॉर द एक्ट डन इन द ऑफिशियल कैपेसिटी ऑफ द ऑफिसर कंसर्न, सेक्शन 82 Execution shall not be issued. Execution तब तक नहीं होगा on such a degree unless the degree remains unsatisfied for the period of 3 months. In suit against the state government, who may sign the plaint on behalf of the government? कौन साइन कर सकता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे? गवर्नर करेगा? नहीं, मैंने सीएम करेगा? नहीं, चीफ सेक्रेटरी करेगा? नहीं, जिसको अपॉइंट किया गया वही तो करेगा। ठीक है, Now under which provision the CPC an ambassador can be sued? Ambassador पे मुकदमा किया जा सकता है, कहाँ है? Section 86, important में note करवाया हुआ है। ठीक है, और भी word है वहाँ पे 86 में, कौन कौन है? Foreign ruler भी है और envoy भी है। Okay, पहले इनको हमें सरकार से permission लेनी होती है,
इन पे मुकदमा करना है तो केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी, ठीक है। और आपको पता है, अच्छा आप मुझे बता सकते हैं इनसे संबंधित कौन सी कन्वेंशन है? Which convention? So, Vienna convention. बहुत बढ़िया, वियना कन्वेंशन। A person may sue, कौन सी ईयर की है वियना कन्वेंशन? चलो याद कर लेना, ये बीच में चली थी ना अभी। A person may sue a foreign state, क्या एक इंसान, मैं क्या इंग्लैंड पे केस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, but with the consent of the central government, only with the consent of the central government. B answer, ठीक है। Which of the following is a true? Alien enemy residing in India can never sue. उसपे मुकदमा नहीं होगा, अरे होगा, गलत। Alien enemy residing in India may sue with the permission of the central government. ये कर भी सकता है, alien enemy मुकदमा कर सकता है। Answer is B. Alien enemy residing in India may sue with the permission of the state. State से लेना देना नहीं होगा इसका, केजरीवाल साहब से permission थोड़ी ना लेंगे, central government से होगी, in jurisdiction they are residing, नहीं। Alien enemy can sue in any court, नहीं। With the permission of the court होगा, और with the permission of the central government, ठीक है। अजमल कसाब को क्या, अजमल कसाब को क्या वकील मिला था इंडिया से? नहीं मिला था। Yes. उसने डिमांड कहां से करी थी? पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान का मुझे वकील चाहिए। कोर्ट ने कहा भाई हम तो इंडियन देंगे, ये तो इंडियन ही मिलेगा, भारत का संविधान देता है उसको, अलाउ करता है, बट एडवोकेट की बात करता है, ये नहीं कि उसको अपनी कंट्री का चाहिए, ठीक है। The provision regarding interpreter suit कहाँ पर दे रखा है? 88, बहुत important है। Interpreter suit होता क्या है? Order number 35 में भी बताया गया है। Interpreter suit एक plaintiff कई सारे defendant हो सकते हैं, ठीक है। Defendant आपस में लड़ रहे हैं, plaintiff कुछ लेना देना नहीं है। Plaintiff कहता है भाई आप आपस में लड़िए, मैं तो आपको property दे के जा रहा हूँ, court में जमा करा रहा हूँ। Court कह सकता है या तो आप court में submit कर दीजिए और अपना charge लीजिए। प्लेंटिफ को अल्टीमेटली मकसद क्या है कि जो उसने जो खर्चा है वो है, और ये डिफेंडेंट आपस में जिसके फेवर में मामला चला जाएगा कोर्ट उसको हैंड ओवर कर देगा, ओके। दैट इज इंटरप्रेटर सूट, अल्टीमेटली डिफेंडेंट्स लड़ते हैं, ठीक है। मेन डिस्प्यूट इज बिटवीन द डिफेंडेंट, नॉट बिटवीन द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट, इज दैट क्लियर। जनरली जब प्लेंटिफ को कुछ चीज मिलती है, फाइंडर ऑफ द गुड्स है, तो वो कोर्ट में कहेगा कि जनाब मुझे नहीं पता किसकी है, कई सारे क्लेमेंट आ गए तो क्लेमेंट डिसाइड करेंगे, क्लियर है, सिंपल सा है। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरप्रेटर सूट आर कंटेन इन विच ऑर्डर? 35 है कहीं, ऑर्डर नंबर 35 और सेक्शन दोनों अप्लाई होंगे, दिस डी। नाउ इंटरप्रेटर सूट कैन बी फाइल व्हेन, कब होगा? देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट द प्लीडर, अरे ये क्या बात लिखी, अ क्लेम इज फाइल्ड अगेंस्ट टू और मोर डिफेंडेंट हु हैव सेट अप राइवल टाइटल्स टू द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू लोकेट रियल लैंडलॉर्ड बाय द टेनेंट, ये है, सही बात है। A claim is set up is against two or more trespasser, नहीं। In a suit against two or more indigent person, नहीं। तो answer is B. For interpleader suit, which of the following condition is not necessary? कौन सी condition जरूरत नहीं है? There must be some debts or the property in the dispute, नहीं। Not necessary, okay, उल्टा लिखा है। Not necessary. There must be some debts or the property in the dispute, बिल्कुल होनी चाहिए। Two or more person claiming the debts or the property in dispute adversely to one another, बिल्कुल ठीक है। There must be suit pending wherein the right of the rival claimant for the debts or the property in the dispute can be properly adjudicated. All of the above तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों तो ठीक हैं, तो ये बचा, not necessary. There must be suit pending wherein the right of the rival claimants or the debts or the property in dispute can be properly adjudicated, ठीक है। तो सी एस का आंसर, इंटरप्रेटर सूट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, बाकी ऊपर वाले सारे जरूरी, सम डेट्स होना चाहिए, ऑलरेडी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, दो बच्चे हैं इसके क्वेश्चन। इंटरप्रेटर सूट इज अ सूट बिटवीन द एडवोकेट्स, नहीं। बिटवीन द यूनियन प्लेडर एंड द स्टेट प्लेडर, नो। इंस्टीट्यूटेड बाय द पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है, प्लेंटिफ का कोई इंटरेस्ट नहीं होता सब्जेक्ट मैटर को लेकर। Instituted by the person who has interest, नहीं, इसको कोई मतलब नहीं, इसको सिर्फ क्या चाहिए, इसको रख रखाव का जो खर्चा आया चार्जेस सही होंगे, ठीक है। Am I right? Yes, sir. A depose, A deposits a box of the jewel with B as his agent, ठीक है। A ने एक अपना jewel box जो है B को दिया है, A ने अपना jewel box B को दे दिया है as his agent, B जो है agent है,
ठीक है. सी अलेज द ज्वेल बॉक्स फॉर रॉन्गली ऑब्टेन बाय ए, ए से भाई गलती से ऑब्टेन किया गया है फ्रॉम हिम एंड द क्लेम देम फ्रॉम द बी देयर बी कैन इंस्टीट्यूट अ सूट इंटरप्रेटर अगेंस्ट नो कैन इंस्टीट्यूट इंटरप्रेटर सूट अगेंस्ट सी नहीं कैन इंस्टीट्यूट इंटरप्रेटर सूट अगेंस्ट ए एंड सी बिल्कुल नहीं कैन नॉट इंस्टीट्यूट आएगा ठीक है ये तो कर ही नहीं सकता इंस्टीट्यूट इंटरप्रेटर सूट अगेंस्ट ए एंड सी तो आंसर इज डी. तो ये हमारे इंटरप्रेटर सूट्स के हो गए क्वेश्चन ठीक है. अब ये आगे के स्पेशल प्रोसीडिंग कितनी है चलिए इनको हम कल की क्लास यानी मंडे की क्लास में करेंगे क्योंकि अपील भी है इसके साथ जुड़ा हुआ है ये एक क्लास में खत्म हो जाएंगे लगभग 120 के आसपास क्वेश्चन बचे होंगे तो दैट वुड बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास. हाँ जी बोलिए सर जो ऑर्डर्स हैं वो इसी में कवर हो गए या अलग से उसके उसके भी तीन क्लासेस हैं इसमें नहीं कवर हुआ. अच्छा. तीन क्लासेस ऑर्डर का और एक चीज ध्यान रखना सीपीसी में मैक्सिमम जो है सेक्शन बेस्ड आता है एमसीक्यू में ऑर्डर के अगर 15 क्वेश्चन है तो 5 या 6 क्वेश्चन ऑर्डर से संबंधित होंगे 5, 6 या 7 मैक्सिमम लेकिन सेक्शन बेस्ड ज्यादा आते हैं ये याद रखना देख लेना नहीं तो प्रीवियस ईयर पेपर. लेकिन हमारे पास 3 क्लासेस या 4 क्लासेस ऑर्डर्स के लिए ठीक है 3 क्लासेस ऑर्डर पे होंगी कम से कम. ओके ये हमारा सीपीसी लगभग 7 क्लास में हो जाएगा पूरा ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा कवर और ये काफी बेनिफिशियल होगा याद आ जाएंगे आपको पेपर में बैठोगे ना तो सब चीजें याद आएंगी. चलिए फिर इसके बाद फिर इंदू लॉ स्टार्ट करेंगे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में दैट विल बी ऑन मंडे. ओके गाइस टेक केयर थैंक यू सर.